तो लास्ट दिन हम लोग जॉब एंड बैच कॉस्टिंग कर रहे थे, और उसमें शायद दो क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिया था, मतलब होमवर्क, बाकी सारा ही मैंने करवा दिया था, ठीक है? सिर्फ दो क्वेश्चंस जो था मैंने होमवर्क दिया था। अच्छा, वो हुआ है कि नहीं? बताओ हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है तो करवाएंगे, होएगा? हैरी दी, अच्छा रोशनी, होएगा सर? हैरी अच्छा, दी। गुड इवनिंग प्रीति। गुड इवनिंग। प्रिया का हुआ है जो दिए थे क्वेश्चन? लास्ट क्लास तुम्हारा मिस था, मैंने दिया था, ये वीडियो तो दे दिया था, थोड़ा लेट हुआ था, मैंने वीडियो दे दिया था, उसमें मैंने बताया था कि कौन सा होमवर्क है। तुम लोग के स्टडी मैट से ही करवाया हुआ है वो चैप्टर। अच्छा देखो, आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं दैट इज रिकॉन्सिलिएशन करेंगे आज हम लोग, ठीक है? तुम लोग जैसे 11 में रिकॉन्सिलिएशन का एक चैप्टर किए हुए हो अकाउंट्स में, सबने किया है, ठीक है? जिसे तुम लोग बोलते हो बीआरएस, यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वहां पर होता क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या होता है याद है तुम लोगों को? प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों रिकॉन्साइल करना, मतलब क्या? मिसमैच को चेक करके फिर उसे सही करना। तो वहां पर हम लोग क्यों बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, बता सकते हो? क्यों हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे, बता सकते हो? सबने 11 में ये वाला किया है, सबके, चाहे कोई किसी भी बोर्ड से पढ़ा हो, बंगाल बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईएससी हो, सब में रहता है, बता सकते हो? कोई कुछ भी नहीं बता सकता है अबाउट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। गुड इवनिंग इनकी। পাসবুকের মধ্যে যদি এন্ট্রি কোনো ভুল হয় সেটা ঠিক করানোর জন্য। শুধু ভুল বলেই না, সিফ মিস্টেক হোনে সে নেই, শুধু ভুল হলে তো না। দেখো ক্যা হতা হ্যায় না, ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট মে ক্যা হতা থা, ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট মে গলতি কে ওয়াজে সে তো হই সকতা হ্যায়। জেসে হাম লোগো নে অ্যামাউন্ট জো লিখনা থা 100 এক জগা লিখা, 100 এক জগা লিখা 120। অ্যাকচুয়ালি রিকনসাইল ক্যা ক্যা করনা পড়তা হ্যায়, ব্যাংক কা পাসবুক অর হামারে পাস জো ক্যাশ বুক হতা হ্যায়, ও দোনো মে জো মিসম্যাচ হতা হ্যায় উসসে। জেসে ব্যাংক মে গয়া হ্যায়, পাসবুক কো আপডেট করওয়া হ্যায়, ব্যালেন্স কুছ অর দিখা রহা হ্যায়, ঘর পে জো ক্যাশ বুক মেইনটেইন কর রহে হো, अकाउंटेंट जो कैश बुक मेंटेन कर रहा है उस पे कुछ अलग दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, मतलब चेक, जैसे मान लो चेक इशू कर रहे हो तो उस केस में क्या होता है, जिसे चेक दिए हो वो चेक को ले जाके घर पे रख रहा है, जैसे चेक इशू करते हो कैश बुक पे तो एंट्री हो गया, लेकिन वो अगर चेक को एनकैश करवाने के लिए बैंक नहीं पहुंचता है तो उसमें क्या होगा, उसमें बैंक से तो पैसा नहीं कटेगा, लेकिन हम लोगों ने घर से क्योंकि अपना कैश की जगह चेक दिया है तो हम लोगों ने दिखाया कि हम लोगों ने पेमेंट किया है। ये बहुत सारा रीजन होता है मिसमैच का, जो भी हो वो अकाउंट्स का टॉपिक है। ये बात मैंने इसीलिए बोला क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग फिर से रिकॉन्सिलिएशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन कॉस्ट के केस में। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो बुक मेंटेन होता है, कॉस्ट बुक एंड फाइनेंस बुक। तुम लोग को पता है कॉस्ट बुक कॉस्ट अकाउंटेंट लोग मेंटेन करते हैं, फाइनेंस बुक्स जो है वो एक्चुअली अगर बताओ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स नेसेसरी। पहला बात है कि कॉस्ट बुक और फाइनेंस बुक को क्यों हम लोग रिकॉन्साइल करें, क्योंकि दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट, ठीक है, दो अलग मतलब पर्सन इसे क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो मिसमैच तो हो ही सकता है। अगर एक ही जन बनाता तो मिसमैच होने का चांसेस क्या होता है, कम होता है। ऐसा नहीं कि एक जन से मिसमैच नहीं होगा, तब रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट नहीं आता, मिसमैच हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कॉस्ट डिपार्टमेंट अपने तरह से अपना अकाउंट्स बना रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने तरह से अपना अकाउंट्स बना रहा है, और इसमें क्या हो सकता है, अगर जो सिमिलर पॉइंट है वहां पर डिफरेंस आ सकता है, और ऐसा भी कुछ पॉइंट है जो सिर्फ किसी एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को मतलब डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग होता है, तो उस केस में भी हमें रिकॉन्सिलिएशन का जरूरत होता है। स्टेट द पॉसिबल रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन
प्रॉफिट शोन बाय बोथ द अकाउंट्स। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रीजन बताओ। सबसे पहले नीड फॉर रिकॉन्सिलिएशन क्या है? देखो, नीड ऑफ रिकॉन्सिलिएशन क्या है? सिंस कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड सेपरेटली, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट, अभी मैंने बताया, सेपरेटली मेंटेन होता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट कोई और मेंटेन कर रहा है, फाइनेंस कोई और मेंटेन कर रहा है। इट इज वेरी सर्टेन दैट प्रॉफिट शोन बाय कॉस्ट अकाउंट्स मे नॉट एग्री विथ प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंस अकाउंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉस्ट अकाउंट का एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट आया, फाइनेंस वाले का भी वही आएगा। तो ये अगर अलग आता है तभी रिकॉन्सिलिएशन वाला पॉइंट जनरेट होगा। हेंस इट बिकम्स नेसेसरी दैट द प्रॉफिट शोन बाय टू सेट ऑफ अकाउंट्स बी रिकॉन्साइल्ड। रिकॉन्साइल्ड तो करना ही पड़ेगा, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो दो अलग अलग डिपार्टमेंट अकाउंट मेंटेन कर रहा है, फिर भी डिफरेंस क्यों आ रहा है? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्यों डिफरेंस आ रहा है। उसी को बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन करने का जरूरत जो है वो इसीलिए है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है रिकॉन्सिलिएशन करने से? हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का कोई एरिथमेटिकल गलती तो नहीं हुआ, जैसे भी प्रीति ने कहा था कि भूल एंट्री, तो गलत देखो तो इट हेल्प्स इन चेकिंग द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बोथ द सेट ऑफ अकाउंट। मतलब हो सकता है कि प्रॉफिट दोनों का एक ही जैसा आया है, लेकिन दोनों ने कैलकुलेशन में गलती किया है, दैट इज एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। तो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चल जाएगा कि कोई दूसरा पॉइंट नहीं है प्रॉब्लम रिकॉन्सिलिएशन में मिसमैच होने का, एक ही पॉइंट है कि गलती हुआ है लोगों का टोटल में। या फिर ये हो सकता है इट एक्सप्लेन्स द रीजंस फॉर डिफरेंस इन प्रॉफिट इन टू सेट ऑफ बुक्स। और ये क्या करता है, रिकॉन्सिलिएशन से हमें एरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलता है, रीजंस पता चलता है क्यों डिफरेंस हुआ है। अगर एरिथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं है तो किस रीजन से डिफरेंस आ रहा है वो भी हमें पता चल जाता है जब हम लोग रिकॉन्सिलिएशन करते हैं। रिकॉन्सिलिएशन करने पे हमें दो बुक्स ऑफ अकाउंट सामने रख के मैच करवाना पड़ता है। इट प्रोमोट्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। और ये काम करते हुए ड्यूरिंग दिस पीरियड रिकॉन्सिलिएशन करते हुए क्या होता है, दोनों डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है। अब देखो, रीजंस फॉर डिफरेंस इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में डिफरेंस क्या क्या रीजन से आ सकता है? पहले हम लोगों ने तो ये पढ़ा कि रिकॉन्सिलिएशन करने का जरूरत क्या है, रिकॉन्सिलिएशन करने का एडवांटेजेस क्या है, अब किस वजह से हमारा जो है डिफरेंस आता है दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो देखो, देयर आर सम एक्सपेंडिचर एंड इनकम विच आर प्योरली फाइनेंस इन नेचर एंड नॉट आर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। क्योंकि हमारा ऐसा कुछ खर्चा होता है जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस बुक में रिकॉर्ड होता है बट कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इस केस में क्या होगा, लिस्ट तो बाद में बताएंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो कि अगर मान लो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, फाइनेंस और ये कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अब मान लो कुछ खर्चा ऐसा है, ठीक है, कुछ खर्चा ऐसा है जो सिर्फ फाइनेंस में दिखाया जाता है, तो ऑब्वियसली फाइनेंस का जो नेट प्रॉफिट है ना, फाइनेंस का जो नेट प्रॉफिट आएगा, मतलब पीएल जो इसने बनाया होगा उसका नेट प्रॉफिट जो होगा वो ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि इसका पास ऐसा कोई खर्चा है जो कि ये चार्ज नहीं करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट चार्ज नहीं करता है। तो नॉर्मल सा बात है, कॉस्ट अकाउंटेंट का जो प्रॉफिट है वो फाइनेंस के मुकाबले क्या हो जाएगा, ज्यादा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये अपना खर्चा ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि इसके पास ऐसा कुछ एक्सपेंसेस है जो कॉस्ट वाले के पास नहीं है, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट सेल करते हुए अगर लॉस होता है वो फाइनेंस वाले ही रिकॉर्ड करते, कॉस्ट वाले नहीं करते, क्योंकि कॉस्ट वाले क्या रिकॉर्ड करते, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का ओवरऑल खर्चा जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है। इसे कैसे याद रखोगे, कॉस्ट शीट में जितना भी खर्चा आता है, जैसे कि पहले आ गया डायरेक्ट रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, अब उसमें ओपनिंग रॉ मेटेरियल, परचेज लेस क्लोजिंग करके जैसा एडजस्टमेंट होता है, मेटेरियल खरीदने का जितना भी एसोसिएटेड एक्सपेंस है, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, ये सब जो भी मेटेरियल रिलेटेड है सारा ऐड होता है, लेबर का खर्चा आता है, प्राइम कॉस्ट आ जाता है, फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता है, उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ जाता है, और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाता है। तो ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये सब तो नहीं आता है, तो ये कहाँ पर चार्ज होता है? अब ये कैसे समझोगे, तुम लोग जब पीएल बनाते थे 11 में, फिर से 11 सोचो, जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट चार्ज करते थे ना 11 में, जो तुम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो तुम लोग एज ए कॉस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब अभी तुम लोग कॉस्ट शीट वगैरह कॉलेज में सीखे हो, फिर से सीख रहे हो, तो कॉस्ट शीट में जो होता है वो कॉस्ट अकाउंटेंट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये हम लोग पीएल में बनाते थे, ठीक है, तो ये फिक्स्ड एसेट
सॉरी ये फाइनेंस जो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, ठीक है, फाइनेंस वाला लोग रिकॉर्ड करेगा तो कॉस्ट वाला नहीं करेगा, तो डिफरेंस तो आएगा प्रॉफिट का। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, बैंक लोन लिया हुआ है, डिवेंचर इशू किया हुआ है, तो डिवेंचर वन टाइप ऑफ लोन होता है, इसे इशू करने से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंपनी को, बैंक लोन लेने से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंपनी को, बैंक को, ये पब्लिक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इससे कॉस्ट अकाउंटेंट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चर करने का जो भी खर्चा है उसमें ये वाला पॉइंट नहीं आता है, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन और डिवेंचर ये सब नहीं आता है। ये नॉर्मली ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ गुड्स रिलेटेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा ही लिया जाता है, बाकी नहीं लिया जाता है, ऐसे सैलरी टू स्टाफ हो गया ये सब। तो इसीलिए ये जो इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक है, ये खर्चा ये यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर नहीं होगा, तो इसका प्रॉफिट फिर कम हुआ, ठीक है, फिर इसका प्रॉफिट कम हुआ, जबकि इसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है। गुडविल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है? गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब अगर राइट ऑफ होता है तो उसका हिसाब यहाँ रखा जाता है, यहाँ नहीं रखा जाता है, तो इस वजह से क्या होगा, इसका प्रॉफिट फिर से कम होते जा रहा है, जबकि इसका प्रॉफिट नहीं होगा। फाइन पेनल्टीज कुछ भी लगता है उसका रिकॉर्ड चार्टर्ड वाले करते हैं, कॉस्ट वाले नहीं करते, क्योंकि इनसे इनको मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना है। चैरिटेबल डोनेशन वगैरह होता है तो इसमें होता है, फाइनेंस बुक्स में, इनकम टैक्स फाइनेंस बुक्स में, बिकॉज ये सारा ही जो है आफ्टर सेल का डेटा है, ठीक है, आफ्टर सेल का। जैसे देखो ये इनकम टैक्स, ये तो सेल होगा, प्रॉफिट होगा तभी ना टैक्स दोगे, तो ये सेल के बाद का है, तो हम लोग तो यहाँ पर सेल तक का ही लेते हैं ना, हमारा जो कॉस्ट शीट बनता है वो तो अप टू सेल तक बनता है, सेल मतलब प्लस प्रॉफिट करके, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल यहाँ तक बनता है। अमाउंट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, ये तो एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, अगर हम लोग रिजर्व क्रिएट करते प्रॉफिट कम हो जाता है, ये सब कैलकुलेशन कॉस्ट अकाउंटेंट वाला नहीं करता, ये सब कैलकुलेशन करता है फाइनेंस वाला, ठीक है, ये फाइनेंस अकाउंटेंट यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे करना है शेयर होल्डर्स को, तो उसका डेटा भी कौन रखता है? फाइनेंस वाला रखता है, ठीक है, कॉस्ट वाला नहीं रखता है, कॉस्ट वाला सिर्फ गुड्स प्रोडक्शन का ही हिसाब जो है वो रखता है। तो ये सारा ऐसा एक्सपेंस है जो एक तरफा है बोल सकते हो, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस में रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट में नहीं होता है, तो ऑब्वियसली मिसमैच तो हो ही जाएगा, तो उसे हमें रिकॉन्साइल करना पड़ेगा, अगर मिसमैच होता है रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। फिर कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है फाइनेंशियल इनकम का, जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस बुक में ही रिकॉर्ड होता है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, जैसे यहाँ पर लॉस था उसका ऑपोजिट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, जैसे यहाँ पर लोन लिया था तो इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अब अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो इंटरेस्ट मिलेगा। डिविडेंड, अगर किसी ने हमारा जो कंपनी है उसमें जो शेयर होल्डर उसे हम लोग डिविडेंड देंगे, लेकिन एक कंपनी खुद का शेयर होल्डर भी हो सकता है, मतलब कंपनी का दो चीज हो सकता है ना, कंपनी का जो है खुद का इक्विटी शेयर कैपिटल होगा तो उन लोगों को डिविडेंड देना पड़ेगा, और कंपनी अगर किसी दूसरे कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करके रखी है तो उसे डिविडेंड मिलेगा, अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर है तो ऑब्वियसली उसे डिविडेंड मिलेगा। तो अगर डिविडेंड मिल रहा है तो वो भी कौन रिकॉर्ड करेगा? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस, ठीक है। ट्रांसफर फीस, कुछ भी ट्रांसफर फीस वगैरह है तो वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस में रिकॉर्ड होता है। फिर है रेंटल इनकम, मान लो रेंट से कोई भी इनकम आ रहा है तो वो फाइनेंस में रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट में नहीं होगा। और एक देखो, वन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर डिफरेंस इन प्रॉफिट इज डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन भी एक रीजन है क्यों, विच मे बी चार्ज डिफरेंटली इन टू सेट ऑफ बुक्स। क्या होता है, फाइनेंस वाले अपने हिसाब से चार्ज कर रहे हैं और जो कॉस्ट वाले वो अपने हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस अलग आ जाएगा। मान लो फाइनेंस वाला SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा है, जबकि कॉस्ट वाला यूज कर रहा है WDV, तो डिफरेंस आएगा। डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक को अलग अलग मेथड से हम लोग वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने का अलग अलग मेथड होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक एडॉप्टेड इन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट इज ऑल्सो ए रीजन फॉर डिफरेंस इन प्रॉफिट, तो इस वजह से भी हमारा डिफरेंस आ सकता है। जैसे एक मेथड होता है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, हिस्टोरिकल मेथड होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने का मेथड होता है, या फिर नॉन हिस्टोरिकल मेथड होता है, इस तरह से दो मेथड मेन होता है, इसके अंडर भी और बहुत सारा मेथड होता है। वैसे भी हमें यहाँ मेथड से कोई लेना देना नहीं है, मेथड हमें सीखना जरूरी नहीं है, बट हाँ किस लिए क्या क्या रीजन है वो पता होना चाहिए।
उसके बाद इन कॉस्ट अकाउंट्स ओवरहेड आर जनरली अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, वेयर एज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड. मतलब देखो कॉस्ट में हम लोग हमेशा एक एस्टिमेट करते हैं, एक बजट करते हैं, जो हम लोगों ने बजट बजट वाले चैप्टर में देखा था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखा था. तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एस्टिमेटेड यानी प्री डिटरमाइंड रेट से सारा चीज चार्ज करते हैं. ठीक है, पहले से एक रेट जो है इन लोगों ने डिटरमाइन किया हुआ होता है, या फिर पास्ट एक्सपीरियंस से वो रेट डिटरमाइन करके ये लोग चार्ज करते हैं. लेकिन फाइनेंस वाला उतना ही चार्ज करता है जितना एक्चुअल का एक्सपेंस होता है, उतना ही चार्ज करेगा फाइनेंस वाला. ठीक है, तो इसीलिए इसमें डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, इन लोगों ने सोचा होगा फैक्ट्री ओवरहेड सपोज इतना 2 रुपए पर आवर बेसिस पे इतना लगना चाहिए, लेकिन कुछ और लग गया. ठीक है, जो हम लोग स्टैंडर्ड में देखते थे, सोचा था ऐसा लेकिन हुआ कुछ और. ठीक है, तो जो होता है एक्चुअली में वो फाइनेंस वाले रिकॉर्ड करते हैं, और कॉस्ट वाले पहले से ही प्री डिटर्मिनेशन बेसिस पे करते हैं, तो डिफरेंस आ जाता है. इट ऑल, अब डिफरेंस यहाँ पर दो तरह का हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है. अगर मान लो कॉस्ट ने सोचा था 100 रुपए का खर्चा हो गया 120, तो इस केस में क्या होगा, फाइनेंस वाला 120 दिखा रहा है, ये 100 दिखा रहा है, तो डिफरेंस 20 रुपए प्रॉफिट का आ जाएगा. यानी स्टैंडर्ड में जो हम लोगों ने एडवर्स और फेवरेबल सिचुएशन देखा था. इट ऑल्सो रिजल्ट इन डिफरेंस इन प्रॉफिट सोन बाई कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट. इट ऑल्सो रिजल्ट इन डिफरेंस इन प्रॉफिट सोन बाई कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट. इस वजह से प्रॉफिट में भी डिफरेंस आएगा. अच्छा, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ, एक्सप्लेन द प्रोसीडियर ऑफ रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट. किस तरह से हम लोग कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का रिकॉन्सिलेशन करेंगे, हमें क्या करना है. सबसे पहले हमें देखना है कि सर्टेन आइटम्स विच अपीयर इन फाइनेंस अकाउंट्स बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट. हमें देखना है क्या ऐसा कौन कौन सा आइटम है, हमें क्या क्या ध्यान में रखना है. हमें देखना है कि ऐसा कौन सा आइटम है सिर्फ और सिर्फ जो कॉस्ट में बिलोंग करेगा, या फिर ऐसा कौन सा आइटम है जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस में बिलोंग करेगा. ठीक है, ऐसा भी तो एक्सपेंस हो सकता है जो सिर्फ फाइनेंस में है, ऐसा भी एक्सपेंस हो सकता है सिर्फ कॉस्ट में ही, या फिर ऐसा इनकम हो सकता है जो सिर्फ कॉस्ट में है, या फिर ऐसा इनकम हो सकता है जो सिर्फ फाइनेंस में है. फिर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिफरेंस. और क्या हो सकता है, या फिर एसर्टेन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इनडायरेक्ट एक्सपेंस एज रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक एंड द अमाउंट ऑफ ओवरहेड रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक. मतलब हम लोगों ने कॉस्ट बुक में कितना सोच के रखा था एज ए प्री डिटरमाइंड रेट और एक्चुअली कितना हुआ, इस वजह से भी डिफरेंस हो सकता है. तो हम लोग क्या क्या एसर्टेन कर सकते, ये पॉइंट. एक ऐसा आइटम जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस में इंक्लूडेड है बट कॉस्ट में नहीं, या फिर ऐसा आइटम जो सिर्फ कॉस्ट में इंक्लूडेड है बट फाइनेंस में नहीं है, या फिर हमारा प्री डिटरमाइंड रेट और एक्चुअल में डिफरेंस आ गया, ये सब हमें फाइंड आउट करना है. और उसके बाद कंपेयर द फिगर ऑफ वैल्यूएशन, या फिर हो सकता है कि ऐसा एक्सपेंस है या फिर ऐसा आइटम है जो दोनों बुक्स में अपीयर करेगा, बट क्या हुआ है वहां पर मेथड अलग होने के वजह से, जैसे कि मान लो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ठीक है, इसमें वेरिएशन आ गया है. ठीक है, इस वेरिएशन आ गया है तो उसे हमें चेक करना पड़ेगा कि कितना वेरिएशन आ रहा है, उस वजह से हमारा डिफरेंस आ रहा है, ये कंपेयर किया जाता है. ठीक है, कंपेयर द फिगर ऑफ वेरिएशंस ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स एटसेट्रा एज शोन इन द कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स. नेक्स्ट क्या बोला है, एसर्टेन द अदर इन आइटम विच आर शोन इन कॉस्ट एज वेल एज फाइनेंशियल अकाउंट्स बट डिफर इन वैल्यू. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉस्ट में भी आता है फाइनेंस में भी आता है बट वैल्यू में डिफरेंस हुआ है. मतलब इन लोग का कुछ वैल्यूएशन अलग नहीं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का मेथड अलग हो सकता है, डेप्रिसिएशन का मेथड अलग हो सकता है, इस वजह से डिफरेंस आ गया. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही वैल्यू था, सर्टेन द अदर आइटम्स व्हिच आर शोन इन कॉस्ट में भी दिखाया जाना चाहिए फाइनेंस में भी, बट इन लोग का वैल्यू जो है वो डिफरेंस वैल्यू इन लोगों ने लगाया है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया है, डिफरेंस आ गया. दैट्स व्हाई हम लोग रिकॉन्सिलिएशन हमें करना पड़ेगा. अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर स्टार्ट विथ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट. हम लोग को कुछ भी एक करना चाहिए, या तो एज पर कॉस्ट अकाउंट करना चाहिए या फिर एज पर फाइनेंस अकाउंट करना चाहिए. Add or deduct as the case may be item which differ from financial account and item which are recorded in financial account and not in cost account. मतलब क्या है, मतलब ये देखो जैसे तुम लोग करते थे VRS में कि bank reconciliation statement जब prepare करते थे तो cash balance as per cash book या फिर cash balance as per passbook कोई भी एक starting point रखना था हमें. और अगर हम लोग cost accountant वाला starting point रखेंगे तो हम पहुंच जाएंगे finance में, अगर finance वाला रखेंगे तो पहुंच जाएंगे cost में. कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट रखना है तो हम लोग उसमें जो भी रिकॉन्सिलिएशन का कॉजेस है
उसे एडलेस करते हुए। अब एडलेस का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं। सपोज मान लो डेप्रिशिएशन, कॉस्ट अकाउंटेंट में डेप्रिशिएशन चार्ज किया है 100, फाइनेंस वाले ने चार्ज किया है 180, ठीक है, और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटेंट है 200, और एज पर फाइनेंस अकाउंट जो आ रहा है, एज पर फाइनेंस अकाउंट जो आ रहा है, सपोज ये कितना होना चाहिए, अगर 200 है तो ये कितना होना चाहिए, 180 है तो इसका कितना लगा है, 180 का प्रॉफिट है तो इसका हो जाएगा 20 हो जाएगा शायद, देखते हैं एक मिनट। जैसे मान लो कॉस्ट अकाउंटेंट का प्रॉफिट है 200, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट का प्रॉफिट है 200, अब इन लोगों ने 100 लगाया है एक्सपेंस और इन लोगों ने लगाया 180, ये एक्सपेंस है डेप्रिशिएशन का, ठीक है, ये डेप्रिशिएशन का एक्सपेंस है, इसने लगाया 180, इसने लगाया 100, हम कौन सा वाला प्रॉफिट ले रहे हैं, कॉस्ट वाला प्रॉफिट ले रहे हैं, कॉस्ट वाला प्रॉफिट ले रहे हैं, और इन लोगों ने 100 रुपीज का एक्सपेंस लगाया है, उसके बाद इन लोगों का प्रॉफिट 200 आया और इन लोगों ने 180 का एक्सपेंस लगाया है, तो अगर 180 का एक्सपेंस लगाए, इसने 100 लगाए, तो इसका प्रॉफिट, कॉस्ट अकाउंटेंट का प्रॉफिट 80 रुपीज ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि इसने 80 रुपीज ज्यादा एक्सपेंस लगाया, ठीक है, 80 रुपीज ज्यादा दिख रहा होगा, तो फिर फाइनेंस में क्या हो रहा है, 80 रुपीज कम दिख रहा होगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 120, ये वाला 120 होगा, ठीक है, इन लोगों का प्रॉफिट 120 शो करेगा। मतलब क्या हुआ, देखो कॉस्ट अकाउंटेंट का प्रॉफिट 200 शो कर रहा है, इसका 120 शो कर रहा है, इसका कम 80 रुपीज इसीलिए शो कर रहा है, या देखो 80 रुपीज का गैप आ रहा है, इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि इसने अपना 80 रुपीज का खर्चा ज्यादा दिखाया है, 80 रुपीज का खर्चा ज्यादा दिखाया है, तो इससे क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग एज पर कॉस्ट अकाउंट चल रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट है 200। अब हमें यहाँ पर किस तरह से सोचना चाहिए, एक बार हम बता दें, फिर से बताएंगे, हम लोग देखो कॉस्ट बुक लेंगे और पासबुक, सॉरी फाइनेंस बुक लेंगे, ठीक है, तो कॉस्ट बुक लेके जब हम लोग चलेंगे, हमें इफेक्ट एज पर फाइनेंस बुक देखना है, ठीक है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट ले लिया 200, अब यहाँ पर हम रीजन देखेंगे, रीजन क्या है, रीजन ये है कि एक ने 100 रुपए सेम खर्चे पे, एक जन 100 लगा रहा है, एक जन 180 लगा रहा है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है वो हमें चेक करना चाहिए, सबसे पहले 80 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, अब ये 80 रुपीज का डिफरेंस हमें ये सोचना है कि फाइनेंस में क्या इफेक्ट डाल रहा है, 80 रुपीज का जो डिफरेंस है वो फाइनेंस के प्रॉफिट को कम कर रहा है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, इसको हम फिर डिटेल्स में समझाएंगे, अगर अभी नहीं समझ में आया तो एक दो क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे किस पैटर्न से हमें करना है क्वेश्चन को। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या दिया है, देखो आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडिशन एंड डिडक्शन द रिजल्टेंट फिगर इज प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। अगर हम लोग एज पर कॉस्ट अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो एडलेस करने के बाद हमें प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट मिल जाएगा, जो भी मैंने दिखाया। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट इन मॉडर्न कंप्यूटर एज इज रिडंडेंट, कमेंट करने बोला है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि रिडंडेंट क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर जब आ गया है मॉडर्न एज में तो फिर रिकॉन्सिलेशन का कोई जरूरत नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन कुछ केस में रिकॉन्सिलेशन करना पड़ेगा, जितना भी हम लोग कंप्यूटर यूज क्यों ना कर ले, क्योंकि ऐसा जो आइटम है जो एक 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 तरफा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस में होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट में होगा, उस केस में कंप्यूटर हमें हेल्प नहीं कर सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है, द स्टेटमेंट सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न एज एंड its relation with the accounting aspects. The functioning of computer reduces the necessity of reconciliation of cost and financial accounts due to following reasons. देखो, reconciliation का जरूरत कम हो जाता है अगर हम लोग through computer accounting करें, जो कि अभी modern age में वही चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, कंप्यूटर कैन ब्रिंग आउट डिफरेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स एंड प्रीसियसली, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कंप्यूटर वो क्या कर सकता है, खुद ब खुद फाइंड आउट कर सकता है डिफरेंस जो आ रहा है डिफरेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को, तो इसीलिए हमें जरूरत नहीं खुद से रिकॉन्सिलेशन करने का। नेक्स्ट, द रीजन फॉर डिफरेंस इन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक्स कैन बी प्रेजेंटेड एट वन प्लेस इन वन स्टेटमेंट बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ही स्टेटमेंट के अंडर में ये जो डिफरेंस जो हो रहा है, डिफरेंस का रीजन को जॉट डाउन कर सकता है, ठीक है, फिर भी द वर्क ऑफ अकाउंटेंट हैज बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड इन कंप्यूटिंग द
टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, तो अकाउंटेंट का ऑब्वियसली काम हल्का हो जाएगा अगर कंप्यूटर ही काम कर देगा. फिर भी द मेन रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट शोन बाय द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट इज द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन आइटम्स इन फाइनेंशियल बुक्स ओनली एंड नॉट इन कॉस्ट बुक्स. सिमिलरली देयर मे बी सम आइटम्स विच विल अपीयर इन कॉस्ट बुक बट डू नॉट फाइंड एनी प्लेस इन द फाइनेंशियल बुक. जैसे मैंने बोला एक तरफा जो भी डेटा रहता है, ठीक है, मतलब सिर्फ कॉस्ट में होगा फाइनेंस में नहीं होगा, फाइनेंस में होगा कॉस्ट में नहीं होगा. Hence, इस केस में the reconciliation of cost and financial account is still considered essential and not redundant even in the modern age of computers. ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में हमें इसका जो है अकाउंटेंट की हेल्प से करना पड़ सकता है. तो हमें थ्योरी पर्पस के लिए बेस जो है हमें इसके ऊपर ही बनाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब हम लोग जो है देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुम लोग के स्टडी मैट से ही लिया है मैंने. द नेट प्रॉफिट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपीयर्ड एट 64,500. नेट प्रॉफिट बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका है 64,500 एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड. तो यहाँ पर ये देखना इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट कौन सा बुक्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है. ये फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से है. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द कॉस्ट बुक हाउ एवर शोड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 86,460. अब कॉस्ट वाला बोल रहा है कि उसका नेट प्रॉफिट आया हुआ 86,460 फॉर द सेम पीरियड, एक ही टाइम के लिए, यानी 31 दिसंबर 2016 के लिए. एक केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द फिगर्स फ्रॉम बोथ द सेट ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड द फॉलोइंग फैक्ट्स. अब इन लोगों ने कंपेयर किया है, स्क्रूटनी किया है और इन लोगों को दिख रहा है कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है. इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स 20,000. अब इनकम टैक्स कौन सा आइटम है बताओ, इनकम टैक्स कौन सा आइटम है? क्या ये दोनों जगह ही जाता है या सिर्फ एक जगह जाता है इसीलिए डिफरेंस आ सकता है? क्योंकि डिफरेंस क्या किस, फाइनेंशियल हाँ सिर्फ फाइनेंस में जाता है ना इसीलिए. और यहाँ पर देखो लिखा भी आ रहा है, ऐसे भी तुम लोग को समझना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट ओनली कॉस्ट शीट वाला पोर्शन तक ही रिकॉर्ड करेगा, ठीक है. आफ्टर सेल वाला जितना भी चीज रहेगा वो फाइनेंस वाले रिकॉर्ड करेंगे. तो ये फाइनेंस बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा बट कॉस्ट में नहीं हुआ होगा. बैंक ने इंटरेस्ट दिया है और ये फाइनेंशियल बुक में दिया हुआ है यहाँ पर, नहीं तो तुम लोग को खुद से सोचना पड़ेगा. बैंक का इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो उससे तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाले का लेना देना है नहीं. तो बैंक पे पैसा रखा हुआ था, इंटरेस्ट मिला है, ब्रैकेट में क्रेडिट दिया हुआ है. अब सिर्फ बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा तो कैसे समझोगे कि बैंक इंटरेस्ट चार्ज किया है या फिर हमें प्रोवाइड किया है? तो क्रेडिट है तो समझ में आ रहा है क्लियरली कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है. तो इससे हमारा फाइनेंस बुक में इंटरेस्ट जो है इनकम बढ़ गया है, ठीक है, 250 से. वर्क्स ओवर इट अंडर रिकवर्ड. अंडर रिकवर्ड ओवर रिकवर्ड हम लोग किए थे कुछ दिन पहले ही ओवर इट के चैप्टर में. वर्क्स ओवर इट अंडर रिकवर्ड मतलब अगर ओवरहेड का बात हो रहा है तो ये कॉस्ट बुक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ये इन कॉस्ट बुक होगा. वर्क्स ओवरहेड जो है अंडर रिकवर्ड हुआ है कॉस्ट बुक में, कितना 1550. मतलब कुछ फाइनेंस वाले ने भी रिकॉर्ड किया है और कॉस्ट वाले ने भी किया है, लेकिन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है उस हिसाब से ये पता चल रहा है कि कॉस्ट बुक में अंडर रिकवर्ड है 1550. डेप्रिसिएशन फाइनेंस में रिकॉर्ड हुआ है 5,600 बट कॉस्ट में रिकॉर्ड हुआ है 6,000. अब जब दो डेटा दिया हुआ रहेगा हमें डिफरेंस देखना है, हमें तो डिफरेंस ही देखना है ना. डेप्रिसिएशन फाइनेंस वाला बोल रहा है 5,600 है और कॉस्ट वाला बोल रहा है 6,000 है, यानी डिफरेंस कितने का होगा? 400 का होगा. डिफरेंस तो 400 का होगा ना. अब ये 400 को लेके हमें एडजस्ट करना है. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, ये भी इन कॉस्ट बुक होगा. तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो ओवर रिकवर्ड है. लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, दे दिया है फाइनेंशियल अकाउंट्स में चार्ज किया गया है. ऑब्सोलेसेंस मतलब टेक्नोलॉजिकल रीजन से अगर हमारा लॉस होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस. मतलब टेक्नोलॉजी नया आ गया है, सपोज पुराना जो मशीन था वो पुराने टेक्नोलॉजी से चल रहा था, अब हमें लॉस मतलब बेनिफिट नहीं हो रहा था, हम लोगों ने नया मशीन खरीदा तो ये लॉस हो जाता है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट किया कहीं पर इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, ये कॉस्ट बुक में इंक्लूडेड नहीं हुआ है, उसे भी होता भी नहीं है कॉस्ट बुक में इंक्लूडेड, ठीक है, इस वजह से डिफरेंस आया, ये बता रहा है. स्टोर एडजस्टमेंट, जब स्टोर को एडजस्ट करने गए स्टोर का जो अकाउंट था तो हमारा क्या दिख रहा है फाइनेंशियल बुक्स में क्या हो रहा है, क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स. फाइनेंशियल बुक्स क्रेडिट हो रहा है कितने से, 240 से, ठीक है, 240 से. लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन
इन स्टॉक वैल्यू लॉस हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है स्टॉक पे, ठीक है, स्टॉक को डेप्रिशिएट किया गया है और उससे लॉस हुआ है 3350। हमें बोल रहा है प्रिपेयर करना है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो देखो हम लोग किस तरह से करेंगे। इलस्ट्रेशन 15, ठीक है, तो हम लोग पहले कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे अपना, ठीक है, या तो कॉस्ट रख लो या तो फाइनेंस रख लो, तो हम फाइनेंस ही रखते हैं। पहले फाइनेंस वाला प्रॉफिट आया हुआ है 64,500। पहले हम एक बार शॉर्टकट बता देते हैं, वैसे भी अभी तुम लोग सबको ही शॉर्टकट करना है क्योंकि एमसीक्यू हो गया है, एक हम पूरा क्वेश्चन बता देंगे कैसे लिखना है प्रेजेंटेशन, बाकी सारा हम लोग शॉर्टकट में ही करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 13, अच्छा इलस्ट्रेशन 13 है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस बुक, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस बुक, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक 64,500, इसको यहां लिख लेते हैं 64,500। अच्छा अब यहां पर हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं एट, और नीचे एक कॉलम बना लेते लेस, इक्वल गैप में एड लेस का कॉलम बना लेते, जो आइटम ऐड होगा उसे ऐड करेंगे, जो आइटम लेस होगा उसे लेस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम पूरा दिखाते थे किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है, उसके पहले शॉर्टकट यहाँ पर लगाएंगे। अगर ये तुम लोग का पूरा लिखने वाला भी क्वेश्चन होता फिर भी पहले शॉर्टकट ही हम लोग को लगाना है क्वेश्चन को रेडी करने के लिए। 64,500 आ गया अकॉर्डिंग टू फाइनेंस बुक, ठीक है, और कॉस्ट बुक के हिसाब से जितना है उसे रहने तो हम लोग कॉस्ट बुक में ट्रांसफर होंगे, ठीक है। फाइनेंस बुक से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग कॉस्ट बुक तक पहुंच जाएंगे। अब करना क्या है, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे सोचो, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ सोचोगे तो फिर करने में दिक्कत हो जाएगा। तुम लोग को करना क्या है, ये देखना है कि अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंस बुक है तो हर एक रिकॉन्सिलिएशन के रीजन को हमें कॉस्ट के हिसाब से सोचना है, हर एक रिकॉन्सिलिएशन रीजन को हमें कॉस्ट के हिसाब से सोचना है, मतलब कॉस्ट में इसका क्या इफेक्ट हो रहा है वो हमें सोचना है, उस हिसाब से हमें एडलिस्ट करना है, मतलब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंस है तो मुझे कॉस्ट के हिसाब से सोचना है, और अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट होता तो मुझे फाइनेंस के हिसाब से सोचना था। एक तो हम बताते हैं, जैसे देखो इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक, अगर फाइनेंस बुक में इनकम टैक्स प्रोवाइडेड है 20,000, तो तुम लोग फाइनेंस छोड़ो, यहाँ पर हमें देखना है कि हमें किसके हिसाब से सोचना है, मैंने यहाँ बाउंड्री लगा दी, कॉस्ट बुक के हिसाब से सोचना है। तो बताओ इनकम टैक्स अगर प्रोवाइड हुआ है तो कॉस्ट बुक में इसका क्या इफेक्ट हुआ है, इनकम टैक्स अगर प्रोवाइड हुआ है तो कॉस्ट बुक में इसका क्या इफेक्ट हुआ है, कॉस्ट बुक में क्या खर्चा 20,000 से बढ़ गया है या फिर खर्चा 20,000 से कम हो गया है, सिर्फ इतना सा सोच के मुझे बताओ, इफ इनकम टैक्स चार्ज देन कॉस्ट बुक में क्या इफेक्ट हुआ होगा, कॉस्ट बुक में क्या खर्चा बढ़ गया है 20,000 से या खर्चा कम हो गया है 20,000 से, घूमेगा जी कुंभ में कहना कॉस्ट है तो इनकम टैक्स चार्ज करबे ना, कॉस्ट तो इनकम टैक्स चार्ज करबे ना, इनकम टैक्स এর হিসাব কে রাখবে যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, কস্ট वालाরা তো ইনকাম ট্যাক্স এর হিসাব রাখবে না, কস্ট वालाরা তো আপ টু সেল পর্যন্ত হিসাব রাখবে, আর ইনকাম ট্যাক্স তো আফটার সেল যদি প্রফিট হয় তবেই তো আমরা ট্যাক্স প্রোভাইড করি না, ট্যাক্স তো ইনকাম এর উপর দেওয়া হয়, ইনকামে প্রফিট হলে তবেই তো ট্যাক্স দিতে, আদারওয়াইজ তো ট্যাক্স দিতে হয় না, ট্যাক্স তো ওটা তোমার মানে খরচটা তো কমে গেছে। তো দেখো কে হো রা একচুয়ালি মানে পুছা ইস তরহ সে তো তুম লোগ কো ইয়ে বাতানা হ্যায় কি প্রফিট মে কিয়া ইফেক্ট হুয়া হোগা, তো কস্ট বুক কা জো ভি প্রফিট হ্যায় ভো 20,000 জ্যাদা হি দিখ রহা হোগা ফাইনান্স সে, বিকজ क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 20,000 जो है यहाँ पर तो लेस हुआ ही नहीं है, तो इन लोगों का प्रॉफिट 20,000 ज्यादा ही दिख रहा होगा, तो तुम लोग को सिंपल कॉस्ट बुक में क्या हो रहा है वो सोचना है।
फिर नेक्स्ट पूछ रहे बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है फाइनेंस बुक में 250, ठीक है, तो ये फाइनेंस का ही है, जब बोल दे रहे ना फाइनेंस बुक, ये फाइनेंस का ही है, वैसे भी बैंक का इंटरेस्ट फाइनेंस बुक्स में ही रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं होता है, तो बैंक इंटरेस्ट मिला है, अब बताओ तो इसमें कॉस्ट बुक का क्या हालत हुआ होगा, मतलब कॉस्ट बुक के प्रॉफिट में क्या इफेक्ट आया होगा, प्रॉफिट का इफेक्ट सोचो, बैंक इंटरेस्ट 250 हुआ है तो कॉस्ट बुक में प्रॉफिट तो बढ़ गया मैम, यहाँ पर 20,000 माइनस करेंगे ना कॉस्ट बुक का, नहीं 20,000 माइनस नहीं करेंगे, 20,000 ऐड ही करेंगे, इनकम टैक्स तो फाइनेंस बुक में गया है ना, इनकम टैक्स फाइनेंस बुक में गया है, कॉस्ट में थोड़ी चार्ज हुआ है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट जो भी है वो तो 20,000 से ज्यादा ही दिख रहा होगा ना, मेरा यहाँ पर एक कॉस्ट, यहाँ पर फाइनेंस बुक बना हुआ है, यहाँ पर कॉस्ट बुक बना हुआ है, यहाँ पर मैंने 2 इनकम टैक्स चार्ज किया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया, तो यहाँ पर मेरा जो भी प्रॉफिट है और यहाँ पर मेरा जो भी प्रॉफिट है, तो यहाँ पर तो प्रॉफिट मेरा इनकम टैक्स जो 20,000 है, यहाँ पर तो मैंने 2 इनकम टैक्स कुछ दिखाया ही नहीं है, तो मेरा यहाँ का प्रॉफिट 20,000 से ज्यादा दिख रहा होगा। हाँ तो सिर्फ एक जगह का सोचो, अगर दो जगह लेके कंपेयर करोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ एक जगह का तुम लोग को सोचना है तो हो जाएगा। देखो बैंक इंटरेस्ट फाइनेंस बुक में बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, मतलब फाइनेंस बुक में बैंक का इंटरेस्ट आया हुआ है, ठीक है, तो फिर कॉस्ट बुक में तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट क्या हुआ होगा, 250 से क्या हुआ होगा ये सोचना है, कॉस्ट बुक का प्रॉफिट 250 से क्या हुआ होगा, कॉस्ट बुक पे 250 प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है या 250 का प्रॉफिट कम दिखा रहा है, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो कि कॉस्ट में 250 प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब जो भी प्रॉफिट है वो 250 एडेड है या फिर 250 लेस हालत में है, लेस लेस, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट तो फाइनेंस बुक में रिकॉर्ड हुआ है ना, तो इसमें तो नहीं हुआ, 250 लेस हालत में है, ठीक है, अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे सबका ही हो जाएगा। यहाँ पर फिर से देखो नेक्स्ट वर्क्स ओवर इट, ठीक है, वर्क्स ओवर इट अंडर रिकवर्ड, वर्क्स ओवर इट जो हुआ है अंडर रिकवर्ड हुआ है, मतलब कम चार्ज हुआ है, अंडर रिकवर्ड मतलब कम चार्ज हुआ है, मतलब कॉस्ट बुक में जो वर्क्स ओवर इट है वो 1550 कम दिखाया गया है, मतलब कम चार्ज हुआ है, जितना सोचा था एस्टिमेटेड से कम चार्ज हुआ है, सोचा था सपोज 2000 होगा बट हुआ है कुछ और, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1550, सीधा सा बात है वर्क्स ओवरहेड जो है कम चार्ज किया गया है, तो खर्चा कम दिखाए हैं, वर्क्स ओवरहेड कम दिखाए हैं 1550 किसमें, कॉस्ट बुक में, तो बताओ क्या इफेक्ट होगा, कॉस्ट बुक का खर्चा मतलब सॉरी कॉस्ट बुक का प्रॉफिट 1550 से बढ़ा हुआ है या कम होके रखा है, क्योंकि खर्चा मेरा बच गया है, खर्चा मेरा 1550 बच गया है, अंडर रिकवर्ड का मतलब कम खर्चा लगा है, मुझे लगा था मेरा 200 रुपया खर्चा होगा, मेरा 80 रुपया खर्चा हुआ है, ठीक है वैसे ही है, बढ़ गया है प्रॉफिट, बढ़ गया है प्रॉफिट, बढ़ गया है, तो एड हो जाएगा 1550। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन दोनों का दिया हुआ है, ठीक है, जब दोनों का दिया हुआ है तो हमें डिफरेंस चेक करना है, क्योंकि देखो एक ने बोला है 5600 एक ने बोला है 6000, तो डिफरेंस तो 400 का ही हो रहा है ना, क्योंकि अगर फाइनेंस में 5600 होता और कॉस्ट में भी 5600 होता, डिफरेंस बोल के कुछ नहीं होता, या फिर दोनों में 6000 होता नहीं होता, डिफरेंस कितने का हो रहा है 400 का, डिफरेंस हो रहा है 400 का। अब हम लोग को कैसे सोचना है कि डेप्रिसिएशन जो है वो फाइनेंस में 5600 है और कॉस्ट में 6000 है, तो कॉस्ट हम लोग को कॉस्ट का इफेक्ट देखना है, तो कॉस्ट में डेप्रिसिएशन ज्यादा लग चुका है, क्योंकि दिख रहा है ये 5600 है ये 6000 है, तो कॉस्ट के प्रॉफिट का हालत क्या हुआ होगा, 400 से दोनों का डिफरेंस तो 400 है ना, कॉस्ट में हम लोगों ने ज्यादा चार्ज किया ना, ये 6000 ये यहाँ 5600 डिफरेंस हो रहा है 400, हमें कॉस्ट बुक का इफेक्ट देखना है, तो इसलिए कॉस्ट बुक का प्रॉफिट 400 से क्या है कम हो गया है, जो भी प्रॉफिट है वो 400 से कम हो गया है या 400 से ज्यादा है, प्रॉफिट कम हो गया है, हाँ बिकॉज 400 ये तो हमारा एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट कम हो गया है 400 से। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जितना खर्चा हम लोगों ने सोचा था उससे ज्यादा खर्चा लग गया, मैंने सोचा था मेरा 200 रुपए से काम हो जाएगा, मेरा लग गया 280 रुपीस ज्यादा लग गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मेरा ज्यादा ओवर रिकवर्ड करना है मुझे, ठीक है ज्यादा खर्चा मुझे दिखाना पड़ेगा, बिकॉज खर्चा ज्यादा हुआ है, एस्टिमेशन रॉन्ग हो गया है, तो कॉस्ट बुक में 850 से क्या हुआ होगा प्रॉफिट,
বাড়বে কেন, কস্ট এখানে খরচা তো বেশি হয়ে গেছে না, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওভারহেড ওভার রিকভার্ড, খরচা তো মানে জ্যাদা দিখা দিয়া হ্যায়, 850 কা খরচা জ্যাদা হুয়া হ্যায়, প্রফিট কম হো গিয়া, প্রফিট কম হো গিয়া হ্যায়, প্রফিট কম হো জায়েগা, খরচা জ্যাদা দিখা দিয়া হ্যায়, हाँ खर्चा ज्यादा दिखाना पड़ रहा है, ठीक है, मेरा प्री डिटर्मिनेशन जो भी था वो गलत हुआ है, मेरा खर्चा 850 होना चाहिए था, मैंने जितना भी दिखाया तो 850 ज्यादा दिखाना पड़ेगा और भी, तो मेरा प्रॉफिट जो है 850 से गिर जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, एक लॉस हुआ है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से लॉस हुआ है, लेकिन जिसका इफेक्ट सिर्फ फाइनेंस में दिखाया हुआ है और कॉस्ट में नहीं दिखाया हुआ है, तो फिर कॉस्ट में प्रॉफिट जो है वो 2800 से क्या हुआ होगा, प्रॉफिट बड़े प्रॉफिट कमे आछे कम गया है, क्यों कमेगा, फिर से सुनो, एक लॉस हुआ है जिस लॉस को सिर्फ फाइनेंस में रिकॉर्ड किया गया है, कॉस्ट में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है, तो फिर कॉस्ट का प्रॉफिट, ये रहा मेरा कॉस्ट बुक और ये रहा मेरा फाइनेंस बुक। अब यहाँ पर एक लॉस हुआ है जो कि फाइनेंस में रिकॉर्ड किया गया, दैट इज 2800 का लॉस रिकॉर्ड किया, इधर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट आएगा उससे ये प्रॉफिट तो 2800 से ज्यादा ही दिखेगा ना, प्रॉफिट ज्यादा दिखाती है, प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा बिकॉज हम लोगों ने वो खर्चा दिखा ही नहीं है उधर, वो लॉस को चार्ज ही नहीं किया। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्ट किया था लेकिन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट 4000 से क्या हुआ होगा, मतलब यहाँ पर ये ज्यादा दिखा दिया, ज्यादा दिखाया हुआ है, मतलब ये फाइनेंस बुक हो गया, ये कॉस्ट बुक हो गया, यहाँ पर मैंने इनकम दिखा दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो वाला इनकम नहीं दिखाया है, फिर से सुनो, मैंने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आया है 4000, ठीक है, तो यहाँ पर 4000 दिखा है बट यहाँ पर 4000 नहीं दिखाया है, ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक है, तो कॉस्ट बुक का जो भी प्रॉफिट है वो 4000 से ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा, यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट है, सपोज अगर ये बाकी कांस्टेंट कर देते हैं, सपोज यहाँ पर मैंने लगा दिया 2000, इधर भी 2000 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो प्रॉफिट है ये 2000 शो करेगा, ठीक है, पास फाइनेंस बुक में, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ तो इधर कुछ लिखा नहीं है तो लॉस शो हो जाएगा, फिर इस तरह से तो कंपेयर नहीं कर सकते। देखो इस तरह से समझो कि अगर हमारा फाइनेंस बुक जो है यहाँ पर अगर हम 10,000 लगाते हैं तो हो जाएगा, ये रहा 10,000, इधर 10,000 लगा दिया तो इन लोग का इनकम 10,000 ही दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर इनकम 10,000 दिख रहा है, यहाँ पर 10,000 और 14,000 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो 2000 है, यहाँ पर भी मान लो 2000 है, तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिख रहा होगा, यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा होगा 12,000, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा 8,000, देखो तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 8 और यहाँ 12, वही 4000 का ही डिफरेंस आएगा ना, जो इनकम इसने रिकॉर्ड किया इसने नहीं किया, लेकिन इतना इस तरह से समझोगे तो हर एक एक्सप्लेनेशन जो करोगे उसमें मतलब टाइम कंज्यूमिंग होगा, और हम जो बता रहे वो भी सेम ही चीज है, तुम लोग इसको अलग से एक्सप्लेन करके देख सकते हो, और इसे भी समझोगे तो ये भी उसी तरह से ही किया हुआ है, मैंने बताया क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तुम्हें सोचना है ये इनकम है या एक्सपेंस है, ये इनकम है, इनकम है मैंने कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं किया तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया, इनकम है मैंने कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं किया तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर देखो स्टोर एडजस्टमेंट, स्टोर एडजस्टमेंट किया फाइनेंस बुक में क्रेडिट दिखा रहा है, मतलब ऑल क्रेडिट मतलब क्या होता है, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो ये इनकम हो या फिर गेन है, एक गेन है जो फाइनेंस में रिकॉर्ड हुआ है बट कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अभी तो बोला ना एक इनकम है जो फाइनेंस में रिकॉर्ड हुआ है बट कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या शो कर रहा होगा, कॉस्ट का प्रॉफिट कम शो कर रहा होगा, बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे तो इसे प्रॉफिट को ही रिकॉन्साइल करना है, तो बस यहाँ पर अच्छा। और एक बच्चा है, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू, तो लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू, तो नॉर्मली स्टॉक वैल्यूएशन का जो काम है वो फाइनेंस अकाउंटेंट वाले ही करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट वाले नहीं करते, तो लॉस हुआ है जब हम लोगों ने स्टॉक का वैल्यू किया है, स्टॉक का वैल्यू 3350 से कम हो गया है, तो फाइनेंस वाले ने इसका इफेक्ट दिखाया है, तो उन लोग का प्रॉफिट तो 3350 से कम है बट कॉस्ट वाले ने इसका रिकॉर्डिंग किया ही नहीं है, तो इन लोग का प्रॉफिट 3350 से ज्यादा होगा, इन लोगों ने ये खर्चा दिखा ही नहीं, जो खर्चा नहीं दिखाया है उससे प्रॉफिट हमारा बढ़ा हुआ होगा, और जो खर्चा इन लोगों ने दिखाया है या फिर मान लो सिर्फ इन लोगों ने दिखाया है तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, या फिर ऐसा इनकम जो कॉस्ट में नहीं दिखाया गया है हम
हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया है, फिर से एक बार देख लो इनकम टैक्स, फिर से एक बार सोचते हैं, एक सम्स को अच्छी तरह से करेंगे तो बाकी भी कर पाओगे। इनकम टैक्स फाइनेंस बुक ने प्रोवाइड किया, हम लोग को क्या सोचना है कि जो इनकम टैक्स प्रोवाइड फाइनेंस बुक ने किया है, हमें कॉस्ट का इफेक्ट सोचना है, बिकॉज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक। तो कैश बुक में क्या इफेक्ट हुआ होगा, सॉरी कैश बुक बोल रहे हैं, कॉस्ट बुक, कॉस्ट बुक में क्या इफेक्ट हुआ होगा। तो इनकम टैक्स प्रोवाइड किया है फाइनेंस में, कॉस्ट में नहीं किया, तो कॉस्ट का प्रॉफिट इनकम टैक्स का जितना अमाउंट है वो चार्ज ही नहीं किया है, तो फिर इनकम टैक्स का अमाउंट से बढ़ा हुआ होगा प्रॉफिट, हम लोगों ने एक्सपेंस दिखाया नहीं है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। बैंक इंटरेस्ट मिला है, कॉस्ट को नहीं पता, तो फिर कॉस्ट का इनकम तो 250 से कम दिख रहा होगा, 250 से कम दिख रहा होगा। हम लोगों ने वर्क्स ओवरहेड क्या किया है, कॉस्ट ने अंडर रिकवर्ड किया है, तो फिर उसका प्रॉफिट क्या है, 1550 से ज्यादा दिख रहा होगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन फाइनेंस और कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है कितने का, 400 का, और कॉस्ट ने ज्यादा चार्ज किया, तो कॉस्ट का प्रॉफिट 400 से कम होके रखा है। अच्छा, उसके बाद देखो डेप्रिसिएशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड कर दिया 850 का, तो फिर कॉस्ट बुक में क्या हो जाएगा, खर्च मतलब प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, खर्चा ज्यादा दिखाना है। लॉस हुआ है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के वजह से, जो कि फाइनेंस अकाउंट में उसका इफेक्ट दिखाया गया है 2800, कॉस्ट में इफेक्ट नहीं है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट तो 2800 से कम नहीं होगा, 2800 से ज्यादा ही दिख रहा होगा, 2800 इसमें डिडक्ट ही नहीं हुआ होगा। अच्छा, इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्ट करके, जिसका पता कॉस्ट वाले को नहीं है, मतलब कॉस्ट वाला इंक्लूड भी नहीं करता है, तो इस वजह से तो डिफरेंस दिख रहा होगा ना कॉस्ट और फाइनेंस बुक्स में, तो फिर कॉस्ट में इसका क्या इफेक्ट हुआ होगा, कॉस्ट का प्रॉफिट जितना भी है 4000 से कम दिख रहा होगा, जितना भी है 4000 से कम दिख रहा होगा। लास्ट नेक्स्ट देखो, स्टोर एडजस्टमेंट करते हुए फाइनेंस में एक क्रेडिट आइटम आया 240, यानी इनकम या फिर गेन, एक 240 का गेन आया, जो कि कॉस्ट वाले को नहीं पता, तो कॉस्ट का प्रॉफिट जितना भी है वो 240 से कम दिख रहा होगा। और लास्ट देखो, लॉस हुआ है ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू, स्टॉक वैल्यू नॉर्मली फाइनेंस वाले ही करते, तो फाइनेंस में लॉस हुआ है 3350 का, बट कॉस्ट में इसका इफेक्ट नहीं है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट 3350 से ज्यादा दिख रहा होगा। तो ये चीज जो है हमें जस्ट लिखना है, और लिखना किस तरह से है वो यहीं से दिखा देते। ये देखो यहाँ पर देखो 20 क्या क्या ऐड हुआ है, देखो फर्स्ट 20,000 ये इनकम टैक्स वाला था, देखो इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंस बुक्स ओनली, तो फाइनेंस बुक्स में सिर्फ गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20,000, ये देखो 20,000 ऐड हो गया। फिर -250 क्यों है, ये देखो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक, इस तरह से लिखना पड़ता है बैंक इंटरेस्ट, ये जो लैंग्वेज है उसे ही लिखना पड़ेगा, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स ओनली, इस तरह से लिख सकते हो। ओवर रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन 400, ये जो डेटा है इसे उसी तरह से लिखना पड़ेगा। तो एक हम दिखा देते हैं कैसे लिखना है हम लोगों को, यहाँ पर एक बार लिख के दिखा देते हैं। तो फर्स्ट इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक ओनली, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंस बुक्स ओनली, और वैल्यू है 20,000। सारा ऐड वाला डेटा देख लेते हैं, फिर ये वाला एक ऐड है, ये और ये 1550 मतलब वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, देख लो 1550 वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, सॉरी VERET 1550। अच्छा, उसके बाद है 3350 वाला कौन सा, ये वाला लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यूएशन, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यूएशन, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यूएशन, ये हो रहा है 3350। अच्छा, और एक भी है प्लस 2800 कौन सा है, ये वाला लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस चार्ज इन फाइनेंस अकाउंट, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, लॉस ड्यू टू इन स्टॉक, नहीं स्टॉक वैल्यूएशन नहीं, स्टॉक लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस चार्ज इन फाइनेंस ओनली,
charge in finance only. Charge in finance books only. तो ये हो जाता है 2800. तो ये सबका एडिशन ये से देख के लिख लेते हैं 27700. 27700. अच्छा, और यहाँ पर लेस जो है, लेस आइटम में क्या होगा, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंस बुक. बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंस बुक 250. ओवर रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन, ओवर रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि है 400. अच्छा, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर, उसका वैल्यू है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 850. अच्छा, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट बुक. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 4000 और स्टोर एडजस्टमेंट 240. 4000 स्टोर एडजस्टमेंट 400, स्टोर एडजस्टमेंट 240 सारा ऐड करके 5740. 240 5740. ये नेगेटिव वैल्यू में आएगा सारा टोटल करके, तो 64,500 ये और ये ऐड करके 92,200. ये दोनों का एडिशन आ जाएगा 92,200 और लेस करना पड़ेगा हमें 5740. 5740 लेस करने पे वैल्यू 86460. तो ये देखो 86460, ये वाला वैल्यू आ गया. ठीक है, ये हो जाएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक. ठीक है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक. तो बस ये एक ही हम दिखा दे रहे हैं तुम लोगों को पूरा लिख के. लिखने का तो ऐसे जरूरत नहीं, तो फिर भी एक फॉर्मेट बता दिए कि किस तरह से एडलेस होता है. ठीक है, इस तरह से हो जाएगा. अब हम लोग इसी पैटर्न में करेंगे, तुम लोग को सिर्फ मुझे सही गलत बताते रहना है ताकि तुम लोग का यहीं पर प्रैक्टिस हो जाए. अच्छा, ये गया इलास्ट्रेशन 13. अब हम लोग करेंगे इलास्ट्रेशन 14. तो बताओ इलास्ट्रेशन 14 में क्या होगा. देखो, द नेट प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी 18,550. While the profit of disclosed by company's cost accountant for the period were 28,660. Finance का बता दिया, तो finance से start करते हैं. तो finance book का है 18,550. तो हमें सोचना है as per cost. तुम लोग मुझे बताओगे, हम पूछेंगे. तो यहाँ पर देखो, बोल रहा है कि क्या क्या difference है वो note कर लिया गया है. जैसे कि फर्स्ट है डायरेक्टर्स फीस नॉट चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट. डायरेक्टर का फीस है वो कॉस्ट अकाउंट में चार्ज नहीं हुआ. हम लोग एक ही पैटर्न पे कर रहे हैं. ठीक है, एक ही पैटर्न पे कर रहे हैं फिलहाल, ताकि ये तुम लोग का स्ट्रॉन्ग हो जाए तो तुम लोग दूसरे वाले भी सीख जाओगे. ठीक है, जैसे देखो कॉस्ट बुक के हिसाब से हमें करना है. हम लोगों ने डायरेक्टर को फीस दिया है बट ये कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, 650 से ज्यादा दिख रहा होगा. ज्यादा दिख रहा होगा, 650. करेक्ट. अच्छा, प्रोविजन बनाया गया है बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का. याद करो, प्रोविजन कौन बनाता है. जब 11 में तुम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो प्रोविजन क्रिएट करते थे, वही तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला काम था. और 11 में और एक अकाउंट भी बनाते थे, मुझे तो याद नहीं था, ये वाला बताना चाहिए था मुझे. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कभी कभी बनाते थे. मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल देन बैलेंस शीट, वो जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता था ना, वही कॉस्ट अकाउंटेंट वाला होता था. तो यहाँ पर देखो, प्रोविजन कौन क्रिएट करता है, फाइनेंस वाला. तो प्रोविजन क्रिएट किया है तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट में चार्ज नहीं हुआ होगा. ये हमें नहीं बताया तो क्या हुआ, हमें इसका समझ रखना पड़ेगा कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस वाला रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट वाला नहीं करता है. तो बताओ, ये पहला बात है, ये बताओ कि प्रोविजन क्रिएट करने से प्रॉफिट बढ़ता है या घटता है, पहले ये नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे. जैसे फीस तो पेमेंट किया था डायरेक्टर को, तो एक्सपेंस आइडेंटिफाई कर लिए. प्रोविजन क्रिएट करने से प्रॉफिट क्या होता है, लास्ट दिन प्रॉफिट
प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता है लास्ट पीएल में, पीएल के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। हाँ ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होता है लास्ट दिन। जिन लोगों का डेप्रिसिएशन का क्लास था, मैंने वहां पर भी बताया था कि प्रोविजन क्या होता है, एक ऐसा फ्यूचर का एक्सपेंस जिसका वैल्यू हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाते तो यही कंटिजेंट लाइबिलिटी हो जाता है। तो ठीक है जो भी हो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 570, जो कि सिर्फ फाइनेंस में चार्ज हुआ है, कॉस्ट में नहीं हुआ है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट 570 से क्या इफेक्ट दिखा रहा होगा, ज्यादा है या कम है? प्रॉफिट तो ज्यादा दिखा रहा है क्योंकि खर्चा नहीं दिखाया है। हाँ तो 570 ज्यादा दिख रहा होगा, खर्चा तो नहीं दिखाया। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट किया हुआ है 30 रुपीज का, और बैंक इंटरेस्ट नॉर्मली कहाँ रिकॉर्ड होता है, पीएल में रिकॉर्ड होता है जो करते थे 11 में फाइनल अकाउंट्स, तो 30 रुपीज का बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, ठीक है। लेकिन ये वाला चीज कॉस्ट वाले को नहीं पता है, उसने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ये उसका ड्यूटी भी नहीं था रिकॉर्ड करना, लेकिन इस वजह से डिफरेंस तो शो कर रहा है। तो कॉस्ट वाले का क्या इफेक्ट हुआ होगा, उसने इनकम रिकॉर्ड नहीं किया है 30 रुपीज से, तो उसका प्रॉफिट क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट कम हो गया होगा क्योंकि हाँ क्योंकि उसने इनकम रिकॉर्ड नहीं किया, प्रॉफिट कम हो गया होगा, सही है। अच्छा इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स तो अभी तक तुम लोग समझ ही गए होगे, फाइनेंस वाला रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट वाला नहीं करता है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट टैक्स का खर्चा रिकॉर्ड नहीं करने के वजह से 8300 से क्या शो कर रहा होगा? खर्चा कम दिख रहा है और प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। प्रॉफिट ज्यादा 8300 से ज्यादा दिखेगा, जितना भी होगा 8300 से वो ज्यादा दिखेगा। नेक्स्ट ओवरहेड्स इन द कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स ने ओवरहेड का खर्चा बताया है एस्टिमेट करके 8500, द चार्जेस शोन बाय द फाइनेंस, बट फाइनेंस बुक में जब देखा गया वो 8320, क्योंकि ये तो प्री डिटरमाइंड बेसिस पे करते हैं और इन लोगों ने एक्चुअल बेसिस पे किया है, तो इस केस में हमें डिफरेंस देखना चाहिए। तो डिफरेंस क्या आ रहा है पहले ये चेक करो, 8500 180, अच्छा 180 का डिफरेंस आ गया। अब बताओ फिर कॉस्ट में क्या इफेक्ट हुआ होगा, क्योंकि कॉस्ट वाले ने खर्चा ज्यादा दिखाया है जबकि फाइनेंस वाले ने खर्चा कम दिखाया है, तो ये जो डिफरेंस आया है 180 का, उसका इफेक्ट कॉस्ट बुक में क्या हुआ होगा? कॉस्ट का ये खर्चा ज्यादा दिखा दिया, प्रॉफिट कम हो गया होगा। हाँ 180 से प्रॉफिट कम हो गया होगा बिकॉज इन लोगों ने क्या किया है, 180 का खर्चा ज्यादा दिखा दिया है। ऐसा ही नेक्स्ट भी है, देखो वर्क्स वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन ए न्यू फैक्ट्री एंड एक्सपेंडिचर 16,000 वाज इनकर्ड, एक नया काम स्टार्ट हुआ है और एक्सपेंडिचर हुआ है फैक्ट्री में 16,000 का, और डेप्रिसिएशन ऑफ 5% वाज प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये फिर से एक बार पढ़ते हैं, वर्क वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन ए न्यू फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम शुरू हुआ है, फैक्ट्री एक्सपेंडिचर हुआ है 16,000 का। फैक्ट्री एक्सपेंस यानी हमारा, इसे हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस का मतलब, ये हमारा फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, ठीक है फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, और इस पे डेप्रिसिएशन हुआ है देखो 5%, तो 16,000 पे 5% कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, 800 आता है, ठीक है 16,000 में 5% करोगे तो 800 आएगा, और ये खर्चा बता रहा है कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाया गया है, तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस और ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस अकाउंट में दिखाया गया है, तो बताओ कॉस्ट में 800 का खर्चा क्या हुआ होगा? खर्चा कम दिखाया है, प्रॉफिट बढ़ गया है। हाँ प्रॉफिट 800 से बढ़ गया। अब इसका पूरा कैलकुलेशन करो, 18,500 में ये सारा एड लेस करते जाओ, तुम लोग को आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो तुम लोग को इसी पैटर्न में ही करना है। तो 18,000 देखो कितना हो रहा है, एक बार चेक करके कैलकुलेटर को क्या हो गया। दीदी 28660 है, 28660 चेक कर लेते हैं, 28660 यहाँ पर मिल जाना चाहिए, ये रहा 28660, इसका मतलब हम लोगों ने ठीक रिकॉन्सिलिएशन किया है, हम लोग को पता था डिफरेंस का रीजन, हम लोगों ने उसे अप्लाई किया और देखो ये मिल गया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, ठीक है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। तो देखो यहाँ पर बस प्रेजेंटेशन तो अब किसी को भी नहीं करना है, ये रहा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, ये वही एडलेस वाला कॉलम करना जैसे BRS में करते हो या फिर अभी मैंने दिखाया, और लिख देना है जो पॉइंट रहता है उस हिसाब से। अच्छा नेक्स्ट ये है लॉस वाला, हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, अभी प्रॉफिट वाला ही कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 16 में।
ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर द ऑडिटर सर्टिफाइड द फाइनेंशियल अकाउंट शोइंग प्रॉफिट 1,68,000. फाइनेंशियल अकाउंट में जो है प्रॉफिट दिख रहा है 1,68,000, वेयर एज द सेम एज पर कॉस्टिंग बुक्स वॉज कमिंग आउट टू बी 2,40,000. कॉस्ट के हिसाब से 2,40,000 है तो 1,68,000 है. तो इलस्ट्रेशन 16 फाइनेंस बुक 1,68,000 हमें कॉस्ट बुक के हिसाब से सोचना पड़ेगा. अब इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करना है देखो, यहाँ ट्रेडिंग पीएल दे दिया है. अब ये ट्रेडिंग पीएल कौन मेंटेन करता है? ऑब्वियसली फाइनेंस बुक जो मेंटेन करता है वो लोग ट्रेडिंग पीएल मेंटेन करता है. नीचे कुछ कॉस्ट का रिकॉर्ड दिखा दिया, ठीक है, नीचे कुछ कॉस्ट का रिकॉर्ड दिखा दिया, बस यहीं तक है. अच्छा तो देखो क्या क्या दिखाया है हमें यहाँ पर, क्या करना है देखो, एकदम प्रैक्टिकल की तरह यहाँ पर मिल जाएगा तुम लोगों को. यहाँ पर इन लोगों ने ओपनिंग स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक चार्ज किया है 8,25,000. यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट वाले ने ओपनिंग स्टॉक में कुछ कमेंट किया है, नहीं किया है. इसका मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हमें तो वही ढूंढना है ना जो डिफरेंस है. अब नीचे अगर बोल रहा है कि कॉस्ट रिकॉर्ड में ये सब शो कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक का बात नहीं किया इन लोगों ने. फिर परचेज है 24,72,000. अब देखो इन लोगों ने परचेज के बारे में कुछ नहीं बोला है कॉस्ट वालों ने. देखो इसका मतलब परचेज इन लोगों का भी जितना है इन लोगों का भी उतना ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं आया हुआ है. नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस देखते हैं. डायरेक्ट वेजेस पे इन लोगों ने कुछ नहीं बताया, यानी ये तीनों आइटम सब दोनों ने ही सेम रिकॉर्ड किया. फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में डिफरेंस मिल जाएगा. फैक्ट्री ओवरहेड ये लोग बोल रहा है 2,10,000 और फैक्ट्री ओवरहेड ये लोग बोल रहा है, इन लोगों ने चार्ज किया 1,89,800. अब मुझे बताओ इफेक्ट क्या होगा कॉस्ट बुक में? डिफरेंस पहले चेक कर लो, ठीक है, डिफरेंस पहले निकालो. अगर इन लोगों ने चार्ज किया है 2,10,000, डिफरेंस कितना हो रहा है 2,10,000 और 1,89,900. मेरा कैलकुलेटर बंद हो गया, देखो तो कितना हो रहा है. जो प्रॉफिट है वो जितना कम दिखाया है दैट इज 20,200 से क्या इफेक्टेड होगा कॉस्ट का प्रॉफिट? 20,000 तो बढ़ जाएगा 20,000. इसका मतलब कि प्रॉफिट ज्यादा ये कम हो गया. हाँ. क्यों प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, कम क्यों होगा? कॉस्ट का क्या होगा वो सोचना है ना. कॉस्ट में तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा ना, इन लोगों ने खर्चा कम दिखाया. किसी ने एक ही खर्चा 200 दिखाया, किसी ने 150 दिखाया, तो जिसने 150 दिखाया उसका 50 रुपए से प्रॉफिट तो ज्यादा दिख रहा होगा, इसलिए इसने देखो 1,89,800 दिखाया, इसने 2,10,000 दिखाया. क्लोजिंग स्टॉक तो बोलते. अच्छा उसके बाद देखो हम लोगों ने लाइन बाय लाइन हम लोग को चेक करना है ताकि कुछ छूट ना जाए, नहीं तो ना छूट जाता है क्वेश्चन में. ओपनिंग स्टॉक में कुछ नहीं बताया, सिमिलर है, इसका मतलब परचेज में अज्यूम सिमिलर है, डायरेक्ट वेजेस में भी अज्यूम सिमिलर है, फैक्ट्री ओवरहेड मिला. जीपी छोड़ो, इन लोगों का जीपी कैलकुलेशन का कोई कंसेप्ट नहीं रहता है. सेल है 34,65,000. इन लोगों ने यहाँ पर सेल का कुछ तो बताया है, ये बताया कि सेलिंग प्राइस इंक्लूड 5% ऑफ सेलिंग एक्सपेंस, ये बताया है, वो सेलिंग एक्सपेंस में कंपेयर करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक का देखो, क्लोजिंग स्टॉक है 7,80,000 और 7,50,000. तो किसने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया, किसने कम दिखाया? तो मुझे दिख रहा है जो कॉस्ट ने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया, और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 30,000 हो रहा है, ठीक है, बिना कैलकुलेटर के भी हो जाएगा, 30,000 हो रहा है. यहाँ पर देखो क्लोजिंग स्टॉक इन लोगों ने 780 दिखाया, इन लोगों ने 750. और ये देखो स्टॉक के बारे में मैंने बहुत बार बताया है, क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से रिलेटेड होता है और ओपनिंग स्टॉक किस तरह से रिलेटेड होता है. इसके लिए देखो यहाँ पर सपोज मान लो सेल है 100, यहाँ पर भी मान लो सेल है 100, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है 20 और यहाँ पर मान लो एक्सपेंस है 50, यहाँ पर भी एक्सपेंस है 50. ये फिक्स्ड है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर 20 दिखाया गया है, 120, तो यहाँ पर जीपी रिकॉर्ड हो जाएगा. कितना रिकॉर्ड हो रहा है फिर एक बार बता दो, 70
70, ठीक है, ये जीपी रिकॉर्ड हो रहा है 70, यहाँ पर 100 और सॉरी यहाँ पर सपोज कर लेते ये 80, तो ये 180 हो गया, तो यहाँ पर बताओ तो जीपी कितना रिकॉर्ड होगा, 130, ठीक है 130 रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक चीज देखो, बाकी सारा चीज अगर कांस्टेंट है, बाकी सारा चीज अगर कांस्टेंट है, क्या है वो मैंने नहीं लिखा है, कुछ डेबिट साइड लिखा है, कुछ क्रेडिट साइड लिखा है, सेल होगा क्रेडिट साइड वाला जो है, ये जो है हमारा टू ओपनिंग स्टॉक परचेस वगैरह होगा, लेकिन जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक 80 है तो हमारा प्रॉफिट 130 है, ठीक है, जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक 20 है तो प्रॉफिट 70 है। इससे ये एस्टिमेट होता है कि क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट जो होता है, ये मैंने पहले भी एक बार बताया है, क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा प्रॉफिट भी घटेगा, और ओपनिंग स्टॉक जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो रिवर्स होता है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, ओपनिंग स्टॉक कमने से प्रॉफिट ज्यादा होता है, बस इसका रिवर्स हो जाएगा। इसका रिवर्स एग्जाम्पल के साथ देखोगे तो समझोगे कि 130 ये 80 दिख रहा है, अब अगर ओपनिंग स्टॉक का हम लोग देख ले तो ओपनिंग स्टॉक सपोज यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 50 है, सेल 100 है, क्लोजिंग स्टॉक 100 है, तो कितना हो गया 200 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 150, ये जीपी हो गया। फिर से देखो यहाँ पर ये 100 और 100 इसे फिक्स रखना पड़ेगा ना, 200 हो गया, अब मान लो ओपनिंग स्टॉक 50 के जगह 60 दिखा रहे हैं हम लोग, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया 120, ठीक है प्रॉफिट हो गया 120, तो देखो ओपनिंग स्टॉक कम, ठीक है तो प्रॉफिट ज्यादा, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट कम, इसीलिए मैंने बोला कि रिवर्स होता है, ठीक है रिवर्स होता है। अब तुम लोग बताओ इस पॉइंट पे कि इसने क्लोजिंग स्टॉक 780 दिखाया, इसने क्लोजिंग स्टॉक 750 दिखाया है, तो 30 का डिफरेंस है, तो किसने तो इस 30 का डिफरेंस कॉस्ट पे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि कॉस्ट ने तो ओवर वैल्यू किया है, क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया है, तो फिर बताओ प्रॉफिट बढ़ा दिया है, हाँ तो प्रॉफिट इसका क्या होगा, इफेक्ट बढ़ जाएगा, 30,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को समझना पड़ेगा। फिर से एक बार ये जो कंसेप्ट है ये नॉर्मली नहीं समझ पाओगे, ये इसी कंसेप्ट से ही समझ पाओगे कि क्लोजिंग स्टॉक, जिसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है उसका प्रॉफिट ज्यादा है, सीधा बात, यहाँ 780 750, अब कितना ज्यादा है, ऑब्वियसली 780 से तो ज्यादा नहीं है क्योंकि इसने भी तो अपने हिसाब से 750 किया है, ओनली 30,000 ज्यादा है, 30,000 ऐड हो जाएगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखो फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों ने किया है 95,000, इन लोगों को करना है 3% ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है 34,65,000, इस पे 3% कर लो कितना हो रहा है 34,65,000 पे 3%, देखो थोड़ा कितना हो रहा है दीदी, 103950 103950 और माइनस कर लो 95,000 से, क्योंकि डिफरेंस पता करना है ना मैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का, 8950। अच्छा 8950 का डिफरेंस आ रहा है, तो कॉस्ट ने क्या किया है, कॉस्ट ने ज्यादा चार्ज कर दिया ना, ये 95,000 था वो तो कुछ ज्यादा ही बताया, 1,00,000 कितना बताया रोशनी, 1,00,000 103950, तो ये 1,03,950, जबकि इन लोगों ने 95,000 चार्ज किया, तो जो डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉस्ट में क्या इफेक्ट देगा, ऑब्वियसली कॉस्ट ने ज्यादा एक्सपेंस दिखाया है तो उसका प्रॉफिट कम हो गया होगा, आप कितने से कम हुआ होगा, जितना ज्यादा चार्ज किया है, और 8950 का डिफरेंस आ रहा है 8950। अच्छा उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, सेलिंग, सेलिंग एक्सपेंस कैसे होगा, देखो सेलिंग प्राइस इंक्लूड्स 5% ऑफ सेलिंग एक्सपेंस, तो इस पे 5% लगाओ, 34,65,000 पे 5% लगाओ और इसके साथ कंपेयर करो, 5% लगाने पे कितना आ रहा है बताओ, 173,250, 173,250, और इसका आ रहा है 2,25,000, तो obviously इसने कम खर्चा लगाया है तो इसका प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ होगा, ठीक है अब कितना बढ़ा हुआ है वो दोनों का डिफरेंस देखना है, इसने सेलिंग एक्सपेंस दिखाया 173,250 जबकि इसने दिखाया 2,25,000, तो 173,250 जिसने दिखाया, हम लोग अकॉर्डिंग टू
उन लोगों के बुक के हिसाब से चल रहे हैं तो इन लोग का प्रॉफिट तो ज्यादा दिख रहा होगा फाइनेंस वाले से इस केस में, तो कितना 2,25,000 माइनस 1,73,250 करो कितना आता है 51,750। अच्छा 51,750 आ गया। अच्छा और क्या बाकी है डायरेक्ट वेजेस। अच्छा डायरेक्ट वेजेस में डिफरेंस था 2,46,000 और इन लोगों ने लगाया 2,30,000, तो बताओ तो किसने ज्यादा लगाया है और कितना ज्यादा लगाया है। 2,46,000 कॉस्ट ने लगाया है और फाइनेंस ने 2,30,000 लगाया है, तो ऑब्वियसली फाइन कॉस्ट वाले ने ज्यादा लगाया है। 2,46,000 इज मोर देन 2,30,000, कितना ज्यादा 16,000। तो बताओ इन लोग का प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कॉस्ट वालों का प्रॉफिट 16,000 से क्या हुआ होगा, प्रॉफिट कम हो गया, कम हो गया है। 16,000 से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा ये 16,000 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो तो 2,30,000 माइनस, हाँ ये 16,000 ही तो आ रहा है 16,000। अच्छा सन्ड्री इनकम इज नॉट कंसिडर्ड, सन्ड्री इनकम कंसिडर किया नहीं इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों का सन्ड्री इनकम रिकॉर्ड करने का बात नहीं रहता है, ठीक है। तो सन्ड्री इनकम अगर इन लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो 5,000 से इन लोगों का प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, 5,000 से इनकम रिकॉर्ड ना बाद में कहना, अगर इनकम रिकॉर्ड ही नहीं किया इन लोग, इनकम रिकॉर्ड ही नहीं किया ना तो क्या होगा बताओ। इसने इनकम दिखाया है बाय इनकम 5,000, इन लोगों ने नहीं दिखाया तो क्या होगा, इनकम अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, माइनस होगा। हाँ माइनस होगा 5,000 से माइनस होगा। अब देखो तो इसका ओवरऑल करके इसके साथ ऐड करो 20,200, फिर ऐड करो 30,000, फिर लेस करो 8,950, फिर ऐड करो 51,750, फिर लेस करो 16,000 और ये हो गया 5,000। देखो तो कितना आता है, आना चाहिए ये 1,68,000 आ रहा है कि नहीं चेक करो तो, 2,40,000 से क्या गलत आ गया देखते हैं। 30,20,200,51,750 ये सब ऐड होगा 30,20,200,51,750 सही बात। अच्छा लेस होगा 5,000 16,000 8,950 लेस होगा 5,000 16,000 8,950 सही तो क्या है, फिर क्यों नहीं आया। ओ ये तो 1,68,000 से ही तो स्टार्ट किया था, 2,40,000 तो आना चाहिए। अच्छा सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया ना, 1,68,000 से ही तो स्टार्ट किया था, मुझे लगा हम लोग कॉस्ट बुक के फाइनल, हाँ कॉस्ट बुक के हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं ठीक है तो आ गया 1,68,000 से स्टार्ट किया था हम लोग को मिल गया 2,40,000 ठीक है, ठीक है भाई हम लोग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ए ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चरर हु commenced his business on 1st June 2017 supplies you the following information and asks you to prepare a statement showing the profit per transistors, ठीक है, sold, wages and materials are to be charged at actual cost, wages और materials जो है actual cost में charge करना है, works overhead 75% of wages and office overhead at 30% of works cost, number of transistor manufactured and sold during the year was 540, मेटेरियल पर सेट दे दिया है, वेजेस पर सेट दे दिया, सेलिंग प्राइस पर सेट मतलब एक सेट बनाने का, इफ द एक्चुअल वर्क्स एक्सपेंस वेयर 32,160 एंड ऑफिस एक्सपेंस वेयर 61,800 प्रिपेयर ए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ पर हम लोग को बताया नहीं है कि कॉस्ट में कितना है फाइनेंस में कितना है, सब अलग अलग रिकॉर्ड बता दिया, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोनों अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, यानी कॉस्ट शीट भी प्रिपेयर करना है और पीएल भी प्रिपेयर करना है, तो हम लोग पहले कॉस्ट शीट बना लेते हैं। तो देखो हम बिना फॉर्मेट के ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है, मेटेरियल पर सेट, तो मेटेरियल पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, तो मेटेरियल कितना हो रहा है पर सेट 240। अच्छा वेजेस हो है 80 रुपीज, वेजेस है 80, तो प्राइम कॉस्ट
320। अच्छा यहाँ पर देखो कितना नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इस ईयर मैन्युफैक्चर हुआ है, 540। ठीक है, तो ये है वन यूनिट के लिए। ठीक है, 540 के लिए कितना होगा ये हम लोग चेक करते हैं। चलो 540 के लिए तो मुझे थोड़ा इसका इनटू बता दो, 240 इनटू 540 कितना होगा? और 18 टू 540 1,72,800 नेक्स्ट बोल रहा है कि वर्क्स ओवरहेड कितना होना चाहिए। वर्क्स ओवरहेड 75% ऑफ वेजेस, तो वर्क्स ओवरहेड 75% ऑफ वेजेस, तो 75% ऑफ वेजेस कैलकुलेट करके बताओ। वेजेस 80 है, 80 का 75% कितना होगा? 60। और ये कितना हो जाएगा फिर? 4,32,000 का 75% 32,400 32,400 फिर प्लस इक्वल टू कर लो तो टोटल भी मिल जाएगा। तो ये वाला आ गया ना, इसके ऊपर 30% लगाओ, 380 के ऊपर 30% लगाओ, कितना आता है? 114। फिर इसके ऊपर लगाओ 30%, 61560। अच्छा इसका टोटल 0,67662,266,760 ये आ गया। अच्छा प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि 600% सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर सेलिंग 600 माइनस करके बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है, और 600 के हिसाब से 540 यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ये तो 324 हो रहा है, ये हो रहा है 106 इनटू 540 करके इधर वाला भी बताओ, इधर वाला 57,240। अच्छा 57,240। ठीक है, ये आ गया। ये हम लोगों ने कॉस्ट शीट बना लिया, मतलब अभी हम लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं खुद को एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, अब हम लोग फाइनेंस वाला भी काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएल। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल तो कैसे होगा देखो, यहाँ पर बता रहा है कि ये लोग कौन कौन सा खर्चा लगाएगा, सारा खर्चा लगाएगा। अब ये कैसे प्रिपेयर करना है हम लोगों को, अगर हमें जिसमें डिफरेंस बताया है तो डिफरेंस जितना बताया वो लेना है। जैसे कि मान लो एक्चुअल वर्क एक्सपेंस, तो वर्क एक्सपेंस हमें ये वाला लेना है, ऑफिस एक्सपेंस ये वाला लेना है, बाकी कुछ नहीं बताया तो जो कॉस्ट में है वो ही यही पर होगा। यानी रिकॉन्सिलिएशन सिर्फ दो पॉइंट की वजह से ही हुआ होगा। तो पहले लिखेंगे टू मेटेरियल। अब यहाँ पर हमें तो यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग टोटल वाला यहाँ पर नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं। 1,29,600, तो 1,29,600 टू वेजेस, इसका भी कोई डिफरेंस इन लोगों ने नहीं बताया है, तो फिर 43,200 टू वर्क्स ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री वाला वर्क्स ओवरहेड कितना है, 32,400। यहाँ पर कुछ बताया था वर्क्स ओवरहेड जो है 32,160, तो हम लोग को 32,160 ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 32,160 by sales, यहाँ पर sales record करना पड़ेगा, तो sales में तो कोई difference नहीं आता है, sales है 3,24,000, तो GP निकाल लो, 2 GP, GP बताओ कितना होगा, तुम लोग calculate करके मुझे, 3,24,000
सॉरी जीपी थोड़ी 3,24,000 है, बताओ कितना हो रहा है जीपी, फिर हम लोग यहाँ पर देंगे ऑफिस एक्सपेंस टू नेट प्रॉफिट। तुम लोग बताओ मुझे, हम वेट कर रहे हैं टू नेट प्रॉफिट। इसका टोटल करके बैलेंस करके बताओ। 1,1,9,040 जीपी। 1,1,9,040 हाँ सर ठीक है। 1,1,9,040 1,1,9,040 अच्छा ऑफिस एक्सपेंस कितना होगा? 61,800 61,800 तो इसको माइनस कर लो। देखो डिफरेंस आ गया, इन लोग के हिसाब से प्रॉफिट है 57। अच्छा ना प्रॉफिट में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, इन लोग का है 57,240 और इन लोग का भी आ रहा है 57,240 ठीक है। तो हमें क्या करना है, चेंजेस देखना है कि क्या, देखो कुछ तो चेंजेस है, जैसे कि देखो मेटेरियल में चेंजेस नहीं है, वेजेस में नहीं है, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा वर्क्स ओवरहेड ये 32,400 और 61,560 हम लोगों ने लिखते हुए देखा कि दोनों में चेंजेस है। ये देखो 32,160 और ये हो जा रहा है 61,800। तो बता सकते हो अगर चेंजेस है फिर भी क्यों प्रॉफिट टैली कर गया, बता सकते हो अगर चेंजेस है फिर भी क्यों प्रॉफिट जो है वो टैली कर गया? रिकॉन्सिलिएशन करने से ही समझ जाओगे। देखो प्रॉफिट एज पर हम ले लेते हैं फाइनेंस बुक्स जो कि है 57,240। हमारा डिफरेंस फर्स्ट जो आ रहा है वो वर्क्स ओवरहेड में आ रहा है, इन लोगों ने 32,400 चार्ज किया कॉस्ट वाले ने और अकाउंट्स वाले ने 32,160। तो बताओ कि कितना डिफरेंस आ रहा है, पहले मुझे डिफरेंस बताओ कितना हो रहा है। 32,400 माइनस 32,160 डिफरेंस बताओ। 240 का डिफरेंस आ रहा है। फिर से और एक डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं, 61,560 और 61,800 इन दोनों का डिफरेंस 61,560 और 61,800। दोनों ही 240 आ रहा है तभी ना प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब एक 240 ऐड होना है और एक 240 लेस होना है तभी तो इफेक्ट न्यूट्रल होगा। अगर तुम लोग एक बार देखो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर अकाउंट्स में किए हो ठीक है, तो फिर देखना ऐसे एरर के वजह से ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है। तो ये यहाँ पर इसी तरह का कंसेप्ट ही आ जा रहा है, जबकि यहाँ ट्रायल बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट हम पॉइंट को बताने के लिए बोल रहे हैं। तो 240 और 240, पहला 240 आया था वर्क्स ओवरहेड के डिफरेंस के वजह से, एक ने वर्क्स ओवरहेड चार्ज किया था 32,400, इन लोगों ने किया था 32,160 और हम लोग को दिख रहा है कॉस्ट अकाउंटेंट वाले ने ज्यादा किया है। हमें इफेक्ट देखना है क्योंकि हम लोगों ने फाइनेंस बुक के हिसाब से स्टार्ट किया है, तो कॉस्ट बुक के हिसाब से डिफरेंस देखना है। तो वर्क्स ओवरहेड जो है, वर्क्स ओवरहेड के लिए फाइनेंस बुक का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 240 से कम हो जाएगा क्योंकि इन लोगों ने 240 का प्रॉफिट ज्यादा चार्ज किया है। और जो ऑफिस एक्सपेंस है, ऑफिस ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड के लिए क्या हो जाएगा, ऑफिस ओवरहेड का चेक करो, इन लोगों ने ऑफिस ओवरहेड लगाया है 61,560, इन लोगों ने लगाया है 61,800, तो कॉस्ट वालों ने कम लगाया, तो कम खर्चा दिखाया है तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, तो प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। इसीलिए देखो इफेक्ट वही आ रहा है 57,240। लेकिन अगर कोई ऐसे देखेगा तो अगर सिर्फ प्रॉफिट को देख के तुम लोग सोचोगे कि रिकॉन्सिलिएशन करना है नहीं करना है, वो गलत बात है। यहाँ भी 57,240 आ गया, यहाँ भी 57,240 आ गया, बिकॉज जो इफेक्ट आया था वो इक्वल अमाउंट में प्लस माइनस वाला इफेक्ट आया था, इसीलिए प्रॉफिट जो है वो इक्वल दिख रहा था, प्रॉफिट में कोई डिफरेंस हमें शो नहीं हो रहा था। तो इस वजह से हमारा रिकॉन्सिलिएशन जो है हमें यहाँ पर पॉइंट के हिसाब से चेक करना है। अच्छा इलस्ट्रेशन 17 ये हो गया। अच्छा इलस्ट्रेशन 19 एक बार करेंगे। इलस्ट्रेशन 19 में देखो, द फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया है, जैसे हम लोगों ने अभी प्रिपेयर किया था, मेटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, वर्क्स ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, नेट प्रॉफिट उधर दे दिया है, सेल 30,000 यूनिट्स का सेल दिया है,
फिनिस्टक 1000 यूनिट का दिया है और WIP में तीन डेटा है, WIP फॉर मेटेरियल, WIP फॉर वेजेस, WIP फॉर वर्क्स ओवरहेड, ठीक है। अच्छा यहाँ पर दे रहा है मैन्युफैक्चरिंग ए स्टैंडर्ड यूनिट, द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड शोज दैट, कॉस्ट रिकॉर्ड बता रहा है, वर्क्स ओवरहेड हैव बीन चार्ज टू WIP एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड 3 पर फिनिश्ड यूनिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैव बीन रिकवर्ड एट 4 पर यूनिट सोल्ड, द अनअब्सॉर्ब्ड और ओवर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड हैड नॉट बीन एडजस्टेड इनटू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें ट्रेडिंग पीएल तो गिवन है, हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा इसका कॉस्ट शीट, ठीक है। कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे तभी हम लोग इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे, रिकॉन्सिलेशन कर पाएंगे। तो चलो कॉस्ट शीट पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, इलास्ट्रेशन 19 कर रहे हैं, तो इलास्ट्रेशन 19, तो पहले है मेटेरियल, पहले आ जाता है मेटेरियल, तो मेटेरियल कितना आएगा, कुछ नहीं बताया है, देखो यहाँ पर सिर्फ वर्क्स ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, तो मेटेरियल जैसा है वैसे ही रहेगा 7,08,000। अच्छा वेजेस, वेजेस है 3,71,000, वेजेस हो जाएगा 3,71,000, तो प्राइम कॉस्ट आ जाता है, ये आ गया प्राइम कॉस्ट, ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गया। अच्छा उसके बाद ऐड हो जाएगा वर्क्स ओवरहेड, उसके बारे में कुछ बताया, वर्क्स ओवरहेड हैड बीन चार्ज टू वर्क इन प्रोग्रेस, हैड बीन चार्ज टू वर्क इन प्रोग्रेस एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट का 20% चार्ज करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड, तो चार्ज करो तो इस पे 20% कितना होता है बताओ, इस पे 20% प्राइम कॉस्ट पे 20% बोला है ना, एट द रेट ऑफ 20% ऑन 1580। अच्छा 215800, अच्छा टोटल करना पड़ेगा 1294800, ये आ गया। टोटल करने के बाद ये आ गया, ये था वर्क्स ओवरहेड, यहाँ पर आ गया वर्क्स कॉस्ट, ठीक है, वर्क्स कॉस्ट आ गया। अगर हमारा कुछ WIP होता है, WIP हमारा वर्क्स ओवरहेड यानी फैक्ट्री का जो खर्चा है वहां से ऐड या लेस होता है। अब WIP दो तरह का हो सकता है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। इसका कंसेप्ट देखो क्या होता है, जब हम लोग फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हमारा प्रीवियस कुछ अन सेमी फिनिश्ड गुड्स है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, इस बार फिनिश्ड करना चाहेंगे, यानी ओपनिंग WIP ऐड होगा। लेकिन अगर क्लोजिंग में हम लोगों ने कुछ WIP आइटम रख दिया है तो वो क्या हो जाएगा, लेस, बिकॉज वो सेलेबल नहीं होता है जो WIP में है, तो उसे हमें लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो WIP में क्या क्या है, मेटेरियल है, वेजेस है, वर्क्स ओवरहेड है, तीनों का एक बार टोटल करके मुझे बताओ कितना हो रहा है। ये हो रहा है 8 और 5 12, 12 और 17 कितना हो रहा है, नहीं 13 हो रहा है, 8 और 5 13 और 17 30,000 हो रहा है, 30,000 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग ये जो WIP का और कुछ नहीं बताया तो हम लोग इसे लेस करेंगे उसी अमाउंट से जो फाइनेंस में शो हो रहा है, तो क्लोजिंग WIP लेस हो जाएगा 30,000, ठीक है, 30,000 लेस हो जाएगा। सारा आइटम हमें लेना है ना, मेटेरियल ले लिया, वेजेस ले लिया, वर्क्स ओवरहेड उन लोगों ने जैसे बताया उसी हिसाब से ले लिया, WIP ले रहे हैं, और WIP क्योंकि WIP रिलेटेड टू फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड होता है तो इसलिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो ये होता है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट और ये हो जाएगा वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। जब एडजस्टमेंट होता है तो उसे ग्रॉस बोलते हैं, तो ये लेस कर दो, लेस करने पे आएगा 12,64,800। दीदी हाँ बोलो, বলছি একটু প্রথম থেকে দেখো আমার স্ক্রিনটা অফ হয়ে গেছিল। আচ্ছা দেখো, হয়ে গেছে। আচ্ছা वर्क्स ओवरहेड के बाद क्या लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में भी कुछ बताया इन लोगों ने, रिकवर्ड एट 3 पर फिनिश्ड यूनिट, जितना यूनिट फिनिश्ड हुआ है उस पे 3 रुपीज करके लगना चाहिए। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 3, ठीक है। लेकिन फिनिश्ड यूनिट्स तो बता सकते हो फिनिश्ड यूनिट्स कितना है, फिनिश्ड यूनिट्स मतलब जितना हम लोगों ने इस पर प्रोडक्शन किया है, तो बता सकते हो कितना प्रोड्यूस्ड यूनिट्स है, यहाँ दिख रहा है 2 यूनिट का बात बताया हुआ है, बता सकते हो कितना इस पर प्रोडक्शन हुआ है, नहीं
ये देख के बता नहीं सकते कितना प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर यूनिट बता के रखा है, ये देख के नहीं बता सकोगे कितना प्रोड्यूस हुआ है। सेल कहाँ से की हो? अगर प्रोड्यूस नहीं करोगे तो सेल कहाँ से करोगे? 30,000 यूनिट। और 1,000 क्यों नहीं होगा? 1,000 भी तो होगा, ये फिनिश गुड्स तो 31 होगा, बिकॉज 30,000 सेल कर दिया, 1,000 क्लोजिंग स्टॉक में रख रही है। बजट में हम लोगों ने ऐसा कितना बार पढ़ा था, प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करना है? प्रोडक्शन वही होता है जो हम लोगों ने सेल किया, प्रोडक्शन वो होता है जो हम लोगों ने फिनिश स्टॉक के हिसाब से रख लिया। बस ओपनिंग कुछ है तो वो प्रीवियस ईयर रिलेटेड होता है, तो करेंट ईयर के प्रोडक्शन से वो लेस हो जाता है। तो 3 × 31,000 तो कितना हो जाएगा? 93,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गया 93,000, तो एड करने पर आएगा 13,57,800। ये आ गया 13,57,800, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे देखो तुम लोग का एक बार कॉस्ट शीट भी हो जा रहा है थोड़ा थोड़ा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 13,57,800 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कर लिया हम लोगों ने, और कौन सा बच रहा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बताया है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 4 पर यूनिट सोल्ड, तो यूनिट सोल्ड तो 30,000 है, तो कितना हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड? 30,000 × 4, तो 1,20,000 हो जाएगा इसका मतलब। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हमें फिनिश गुड्स भी तो लेस करना है, फिनिश स्टॉक को लेस करना है, जो स्टॉक हम लोग सेल नहीं करेंगे पहले तो उसे लेस करना है। उस पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं लगाते, कंसेप्ट ये होता है कि हम लोगों ने 31,000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, बट सेलेबल कंडीशन में सिर्फ 30,000 को रखा है, 1,000 को एज ए क्लोजिंग स्टॉक रख लिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे, क्योंकि जो स्टॉक बेचना ही नहीं है उस पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कभी भी खर्चा नहीं किया जाता। यही प्रैक्टिकल होता है कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बस उसी पे करो जिसे सेल करने का टारगेट है, जो सेल नहीं करना चाहते उस पे क्यों करोगे? तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताओ, 13,57,800, 31,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का खर्चा आया हुआ है। ठीक है, 31,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का खर्चा आया हुआ है, मुझे 1,000 का वैल्यू चाहिए क्योंकि वही मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, मुझे 1,000 का वैल्यू चाहिए क्लोजिंग स्टॉक का, तो बताओ कितना होगा? हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं, नहीं तो यहाँ पर माइनस नहीं कर पाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देना पड़ेगा ना। 13,57,800 ये हमारा कितने यूनिट का वैल्यू है? ये हमारा 31,000 यूनिट का वैल्यू है और हमें चाहिए 1,000 जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसका वैल्यू यहाँ दिख रहा है मुझे 43, हाँ बताओ 43,800 आ रहा है, तो COGS आ गया, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम लोग सेल करने वाले हैं, तो इसका वैल्यू आ रहा है 13,14,000। ठीक है, अब इस पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे जो कि 3 रुपीज करके है सेलिंग यूनिट के ऊपर, सॉरी 4 रुपीज करके, तो 4 × 30 तो 1,20,000, तो 1,20,000 ऐड करने पे ये आ जाएगा 14,34,000। ठीक है, और प्रॉफिट और सेल, सेल कितना है 15,00,000, इससे 15,00,000 लेस कर दोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा, तो यहाँ पर ही दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं 14,34,000 ये हो गया टोटल कॉस्ट, इसे हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट, यहाँ पर प्रॉफिट और यहाँ पर लिखेंगे सेल, तो सेल तो उतना ही है 15,00,000। अब इन दोनों का गैप जो होगा वही प्रॉफिट शो करेगा, तो गैप है 66,000। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया प्रॉफिट का। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले पूरा कॉस्ट शीट को प्रिपेयर किया, और कॉस्ट शीट में हम लोगों को दिखा कि मेटेरियल कंज्यूम में कोई डिफरेंस नहीं है, वेजेस में भी नहीं है, डिफरेंस स्टार्ट हो रहा है ये वर्क्स ओवरहेड एक डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और क्लोजिंग WIP ये सब में डिफरेंस आ रहा है। देखो इन लोगों का वैल्यूएशन 40,000 हुआ है जबकि हम लोग का नहीं, इन लोग का 30,000 हुआ है WIP ना, और हम लोग का भी 30 है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, उसके बाद वर्क्स कॉस्ट में देखना पड़ेगा, 12,64,000 है, इन लोगों का है 2,13,000, तो वर्क्स ओवरहेड 2,15,800। अच्छा, फिर से एक बार बताते, देखो मेटेरियल कंज्यूम इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डायरेक्ट वेजेस इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, पहला डिफरेंस आ रहा है वर्क्स ओवरहेड में, ये वर्क्स कॉस्ट है। ठीक है, ये ओवरहेड है, ओवरहेड में डिफरेंस आ रहा है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में डिफरेंस आ रहा है। अच्छा,
और क्या डिफरेंस आ रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंस आ गया है 1,20,000, ये 1,20,000 दिख रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया, सेल में डिफरेंस नहीं है। फिनिश स्टॉक 40,000 शो कर रहा है, हमारा फिनिश स्टॉक 43,800 शो कर रहा है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने यही से लिया है, डिफरेंस तो आ नहीं सकता, मेटेरियल वेजेस वर्क्स ओवर इट। अच्छा, तो कितना सारा डिफरेंस आ रहा है हम लोग का, 1, 2, 3, 4 चार डिफरेंस दिख रहा है मुझे, ठीक है, चार डिफरेंस होगा। ये वर्क्स कॉस्ट वगैरह का डिफरेंस नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर तो इस पैटर्न में बना हुआ नहीं है ना, हमें खर्चा देखना है, ठीक है। ये तो पैटर्न है कॉस्ट शीट का कि हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो प्राइम कॉस्ट जैसे थोड़ी ना कंपेयर करेंगे, उसी तरह से वर्क्स कॉस्ट को नहीं कंपेयर करना है। क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे था वैसे ही है। अच्छा, तो हमारा जो भी चेंजेस हो रहा है उस हिसाब से हमारा क्या इफेक्ट होगा, देखो यहीं पर दिखाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंस बुक। फाइनेंस बुक के हिसाब से प्रॉफिट है 69,000। अब हम लोगों को इफेक्ट देखना है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट बुक। तो सबसे पहला इफेक्ट हमें दिख रहा है वर्क्स ओवरहेड, इन लोगों ने लगाया है 2,13,000, इन लोगों ने लगाया 2,15,800। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि कॉस्ट वालों ने ज्यादा लगाया तो इन लोग का प्रॉफिट तो कम दिखेगा। अब कितना कम दिखेगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 2,15,800 माइनस 2,13,000 कितना हो जाएगा 2,800 से लेस हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन 93, इन लोगों ने लगाया 95,500, इन लोगों ने कम लगाया, तो पहला बात तो ये इन लोगों का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। और कितना, 93 और 95,500 बताओ डिफरेंस कितना होता है, 2,500 तो 2,500 से ऐड कर देंगे 2,500। अच्छा, ये पॉइंट भी हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 43,800, इन लोगों का क्लोजिंग स्टॉक है 40,000। फिनिश्ड वाला देखना है, डब्ल्यू आई पी अलग है, वो तो सिमिलर है, यहीं से लिया हुआ है, ठीक है, इसका कुछ बताया नहीं था तो यहीं से लेना पड़ा। 40,000, 43,800 तो क्लोजिंग स्टॉक जिसने ज्यादा दिखाया है उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, अभी हम लोगों ने सीखा था। तो क्लोजिंग स्टॉक इसने 40 दिखाया है, इसने 43,800, तो इसका तो ज्यादा दिख रहा होगा क्योंकि जिसने प्रॉफिट जितना ज्यादा दिखाया है उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा दिखेगा। कितना ज्यादा दिखा है, 3,800 हो रहा है शायद, वो तो 40,000 था, तो 3,800 ऐड हो जाएगा। ये कैलकुलेशन कर लिया मैंने। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसने 1,20,000 दिखाया, इसने 1,13,500, तो इसने ज्यादा दिखाया है, इसने 1,20,000 दिखाया जबकि इसने 1,13,500 दिखाया, तो ऑब्वियसली कॉस्ट का प्रॉफिट क्या होने वाला है, कम होने वाला है। कितने से कम होगा, डिफरेंस देखो 1,20,000 और 1,13,500 देखो तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 1,20,000 और 1,13,500 कितना आ रहा है बताओ, 6,500। अब ये पूरा चेक कर लो, और तो कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें पूरा एडलेस करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। 69,000 माइनस 2,800 प्लस 2,500 प्लस 3,800 माइनस 6,500 66,000। और ये हमारा होना चाहिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, तो चलो देखते हैं, कॉस्ट बुक का प्रॉफिट 66,000, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला भी हमारा जो है रिकॉन्सिलिएशन हो गया 66,000, और ये सब रीजन के वजह से इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा था। तो ये था इलास्ट्रेशन 19, ठीक है। तो और इन बाकी होमवर्क दे देते हैं, इलास्ट्रेशन 20, 21, 22 ये देखो क्या क्या होमवर्क रहेगा, एक बार यहां बता देते हैं। इलास्ट्रेशन 20, 21, 22 ये होमवर्क रहेगा जो कि एकदम लास्ट का क्वेश्चन है, और हम लोगों ने यहाँ पर मिडिल में जो क्वेश्चन छोड़ रखा है, एक तो इलास्ट्रेशन 18, ठीक है, और 19, 20 तो किया ना हम लोगों ने अभी, 19, अच्छा 20 तो नहीं किया, 19 तक किया हुआ है, ठीक है। तो 18 हम लोग को करना है और 15, ठीक है, जिसमें से 18 और 15 तुम लोग छोड़ दो, ये हम ही करवाएंगे। तुम लोग ये वाला देख सकते हो या फिर ये भी देख सकते हो, अगर समझ में आता है तो इससे भी कर सकते हो। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये पांच जो है होमवर्क रहेगा, ठीक है।
हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हम करवा देंगे, लेकिन ये 2021-22 हो जाना चाहिए, ठीक है, 2021-22 हो जाना चाहिए, 1850 इसमें थोड़ा अलग पॉइंट है, तो ये हम करवा देंगे। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, और इसको आज ही प्रैक्टिस जरूर करो, नहीं तो भूल जाओगे, क्योंकि जिस कंसेप्ट के साथ हम लोग कर रहे हैं, अगर वो कंसेप्ट दिमाग से निकल जाएगा, एक आधा खुद से करोगे ना, अगर होमवर्क नहीं भी करते हो, कम से कम जो क्वेश्चन क्लास में हुआ इसको ही अगर एक बार रिपीट कर लोगे, तो जो कंसेप्ट है, मतलब जिस पैटर्न से हम लोग कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन को, वो तुम लोग के दिमाग में बैठ जाएगा, फिर नहीं तो गलती हो जाएगा, फिर जब अगर बाद में करोगे ना, तो फिर ये कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे, ये इस कंसेप्ट के लिए बता रहे हैं, ये वाला पॉइंट के लिए, कि किस तरह से हमें एड लेस करना है। तो एक कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर करो आज। ठीक है।